भजन अभी गाने वाले हैं, सखियों से हम अनुरोध कर रहे हैं राधा कृष्ण की सेवा के लिए, सेवा मांग रहे हैं हम। तो इस भाव में इस भजन को नरोत्तम दास ठाकुर ने लिखा है, आप सब मेरे पीछे गाएंगे। राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगाल किशोरा, 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 जीवन मारा ने गति आरो नाही मोरा, जीवन मारा ने गति आरो नाही मोरा, राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगाल किशोरा, राधा कृष्ण प्राण कालिंदिरा कूले केली कदम्बे रवाना, कालिंदिरा कूले केली कदम्बे रवाना, रतना बेडीरा उपार बोसाबो दुजाना, रताना बेदीरा उपार बोसाबो दुजाना, राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगाल किशोरा, राधा कृष्ण प्राण मोरा श्यामा गौरी अंगे दिबो चंदनेर गंधा, श्यामा गौरी अंगे दिबो चंदनेर गंधा, चामर धुलाबो कबे हेरी मुख चंद्रा, चामर दुलाबो कबे हेरी मुख चंद्र, राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगाल किशोरा, राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगाल किशोरा, गाथिया माला तीर माला देवो दोहार गाले, गाथिया माला तीर माला गाले, आधरे तुलिया दिबो कर्पूरा तंबूले, आधरे राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगाल किशोर, राधा कृष्ण प्राण मोरा, ललिता विशाखा यदि जो तो साखी वृंद, ललिता विशाखादि की वृंदा, आग्नये करीबो सेवा चरणारविंद,
आज्ञाए करीबो सेवा चरणार राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगाला किशोरा राधा कृष्ण प्राण श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासेरानुदा श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासेरानुदा सेवाय अभिलाष करे नरोत्तम दास राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगाला किशोरा राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगाला किशोरा राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगाला किशोरा हरे कृष्णा। तो आज प्रवचन हिंदी में होगा, तो ये भजन मैंने इसलिए लिया कि आने वाले कुछ दिनों में राधाष्टमी का महामहोत्सव होने वाला है, तो राधाष्टमी के लिए हमें हमारे मन को प्रिपेयर करना है। और राधाष्टमी के दो दिन पहले और एक उत्सव है, वो है ललिता षष्ठी। और ललिता षष्ठी कैलेंडर में तो हम लोग देखते हैं, लेकिन उसका उतना विशेष महत्व हम इसलिए नहीं देते क्योंकि उस दिन कोई उपवास नहीं होता है। और जो वैष्णव महोत्सव उपवास के साथ जुड़ी हुई है तो हमें याद रह जाते हैं, लेकिन ललिता षष्ठी के दिन कोई उपवास नहीं है इसलिए हम भूल जाते हैं उसके बारे में, और उसके बारे में कहा खास कोई चर्चा भी नहीं करते। तो मैंने सोचा कि आज का ये रविवार का प्रवचन ललिता देवी के ऊपर में हम अंकित करेंगे, उनके बारे में जानेंगे, वो क्या सेवा करती है, वो कौन है, राधा कृष्ण के लीला में उनका क्या रोल है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ललिता सखी जो है, ललिता सखी के बारे में रूप गोस्वामी ने बहुत सुंदर ललिता अष्टकम लिखा है, तो आज हम ललिता अष्टकम का पारायण करेंगे और फिर एक एक लाइन को समझने की कोशिश करेंगे। तो मेरे ख्याल से मैं व्हाट्सएप में सबको ललिता अष्टकम भेज चुकी हूँ, अपना अपना फ़ोन खोलिए और ललिता अष्टकम शुरू करते हैं। राधा मुकुंद पद संभव गर्म बिंदु, राधा मुकुंद पद संभव गर्म बिंदु, निर्माचनोपकरणी कृत देह लक्ष्यम, उत्तुंग सौहृद विशेष वसत् प्रगल्भम, देवीं गुणेषु ललितं ललितं नमामि। राकसुधा किरण मंडल कांति दंडि वक्रिता, श्रीयं चकित चारु चमूर नेत्रं, राधा प्रसादन विधान कला प्रसिद्धं, देवीं गुणेषु ललितं ललितं नमामि। लस्यो लसाद्भुजगसत् सत्रुपतत्र चित्रपाठ, अंशुखभारण कंचु किं कंचितंगिं,
हम शोकभारण कंचुलि कंचितंगिं गोराचनारुचि विग्रहान गौरीमानम देवीं गुणेषु ललितं ललितं नमामि धूर्ते व्रजेन्द्र तनया तनुषुष्ठवं यम् मा दक्षिणा भव कलंकिनी लाघवाया राधे गिरं शृणु हितं इति शिक्षयन्तिम् देवीं गुणेषु ललितं ललितं नमामि राधम् अभिव्रजपते कृतमात्मजेना कूटं मनाग अपि विलोकय विलोहितक्षिम् वग्भांगिभिस्तमचीरेण विलाजयन्तिम् देवीं गुणेषु ललितं ललितं नमामि वात्सल्यवृन्दवसितं पशुपालराज्ञा सख्यानुशिक्षणकलाशु गुरुं सखीनां राधा बलाव रज जीवित निर्विशेषम् देवीं गुणेषु ललितं ललितं नमामि यं कामपि व्रज कुले वृषभानुजाया प्रेक्षा स्वपक्ष पदवीं अनुरुद्धयामनम् सद्यास्तदिष्टघतनेन कृथातयन्तिम् देवीं गुणेषु ललितं ललितं नमामि राधा व्रजेन्द्रसुतसङ्गमरङ्गचार्यम् वर्यं विनिश्चितवितं अखिलोत्सवेभ्या तं गोकुलाप्रियसखीनिकुरम्भमुख्यम् देवीं गुणेषु ललितं ललितं नमामि नन्दन् अमूनि ललितागुणललितानि पद्यानि या पतति निर्मलदृष्टिरस्तु प्रीत्या विकर्षति जनं निजवृन्दमध्ये तं कीर्तिदापतिकुलोज्ज्वलकल्पवाली श्री ललिता देवी की जय। तो क्लास शुरू करने से पहले आप में से कितने लोग जानते हैं अष्ट सखी का नाम? अष्ट सखियों का नाम बोलो। ललिता, विशाखा, हाँ हाँ, चंपकलता, हाँ, तुंग विद्या, वेरी गुड, रंगदेवी, सुदेवी, इंदुलेखा, चित्रा सखी, सही है। अच्छा, अभी इसकी प्लेसमेंट बताइए, कितने लोग मायापुर गए हैं? अच्छा बताइए, माधव के पास कौन खड़ा रहता है? हाँ, माधव के, नहीं नहीं, राधा रानी, मैं अष्ट सखियों की बात कर रही हूँ। माधव, राधा रानी खड़े हैं, ठीक है? तो माधव के राइट हैंड साइड कौन है? सही बताने वाले को एक गिफ्ट आज मिलेगा।
इतने सारे लोग सही बताएंगे तो कैसे गिफ्ट मिलेगा? माधव के राइट साइड ललिता. अच्छा, ललिता के पास गेस, ललिता के पास चंपकलता, चंपकलता के पास चित्रा सखी, चित्रा सखी के पास हाँ तुंग विद्या, और इस साइड राधा रानी के इस साइड विशाखा, विशाखा के पास इंदुलेखा, इंदुलेखा के बाद रंगा देवी, रंगा देवी के बाद सुदेवी. ऑल राइट, तो आज हम किन के बारे में चर्चा कर रहे हैं? ललिता देवी. ललिता देवी, तो ललिता देवी जो है वह राधा रानी से उम्र में थोड़ी बड़ी थी, और ललिता देवी की उम्र गोलोक वृंदावन में स्थाई भाव से 14 साल 8 महीने 27 दिन, 14 years 8 months 27 days, और वो हमेशा इसी उम्र में रहती है. और वो राधा रानी से थोड़े दिन बड़ी थी, और राधा रानी के आविर्भाव के पहले वो आती है, क्योंकि वो राधा रानी की विशेष सखी है, तो राधा रानी के आविर्भाव के पहले वो आती है और सारी अरेंजमेंट्स करती है. ललिता सखी के पिता का नाम किसी को आइडिया है? ललिता सखी के पिता का नाम विशोखा और माता का नाम सारदी, उनके पति का नाम भैरव, और ललिता सखी की प्रिय इंस्ट्रूमेंट थी वीणा, और उनका प्रिय राग था भैरवी, और उनकी सेवा क्या थी? भगवान कृष्ण को, राधा रानी को तांबुल, पान सेवा करती थी. तो हम देखते हैं ना, जब माधव के पास में वो खड़ी रहती है पान का डब्बा लेके, ये ललिता सखी की सेवा है. तो हम एक एक करके पढ़ेंगे. हमने जो अभी ललिता अष्टकम का पारायण किया है, वो ललिता अष्टकम रूप गोस्वामी ने लिखा है. और रूप गोस्वामी कौन है कृष्ण लीला में? रूपमंजरी है. थोड़े आज के थोड़े वोकैबलरी डिफिकल्ट है, बट सुनते सुनते समझ में आएगी. रूप गोस्वामी कृष्ण लीला में रूपमंजरी है, और रूपमंजरी कौन है? वे ललिता सखी की खास चीफ सेक्रेटरी है. तो क्योंकि रूपमंजरी ललिता सखी की खास है, इसलिए जब वे कलयुग में रूप गोस्वामी के रूप में आए हैं, तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया है? अपने गुरुदेव ललिता जी का वर्णन किया है ललिता अष्टकम के रूप में. तो हमने जो ललिता अष्टकम का पारायण किया है, उसका पहला श्लोक का मीनिंग सुनिए. आई ऑफर माई प्रणाम अन टू द हॉटी श्री ललिता देवी हु एंगेजेस इन वाइपिंग अवे द ग्लिटरिंग ड्रॉप्स ऑफ प्रेस्पिरेशन फ्रॉम द लोटस फीट ऑफ श्री राधा एंड माधव, हु इज परपेचुअली इमर्स्ड इन द मोस्ट एलिवेटेड इंटीमेट मेलोज ऑफ डिवाइन लव, एंड हु इज द चार्मिंग रिपोजिटरी ऑफ क्वालिटीज सच एज ब्यूटी, स्वीटनेस एंड ग्रेविटी. तो यहाँ पे रूप गोस्वामी बोलते हैं कि मैं मेरा प्रणाम. सी, यहाँ पे एक लाइन है ना, सुललिता. ललिता माने गुण, सुललिता माने अच्छे गुण. तो अच्छे गुणों से भरी हुई ये ललिता जी को मैं मेरा प्रणाम जनाता हूँ. और वो ललिता देवी का गुण क्या है, सेवा क्या है? राधा कृष्ण के जो पाद पद्म है, उनके पाद पद्म में जो पसीने के जो ड्रॉप्स होते हैं उनको साफ करती है, ये ललिता देवी की सेवा है. तो हम जब हम कृष्ण लीला विस्तार से अलग अलग आचार्यों द्वारा लिखी हुई पढ़ते हैं, तो हम देखते बहुत सारी सुंदर सुंदर ललिता देवी के साथ जुड़े हुए पास्ट टाइम्स आते हैं. स्पेशली जैसे हम जब बरसाना जाते हैं, कौन कौन मेरे साथ बरसाना आया है वृंदावन में? अच्छा, तो बरसाना के पास में इसलिए हाथ उठवा रही हूँ कि ये जो सारी कहानियाँ बता रही हूँ, वृंदावन जब जाएंगे तो मुझे याद करवाएंगे, तो ये मंदिर हम विशेषतर जाएंगे. जैसे इस बार हम ये मंदिर जाएंगे, इस मंदिर का नाम है दान बिहारी मंदिर, और दान बिहारी मंदिर के पास में एक है देह कुंड, ये बरसाना के पास में ही है, बरसाना में है. यहाँ पे एक विशेष लीला हुई थी ललिता देवी के साथ. ये क्या थी? राधा और कृष्ण एक दिन बैठे हुए थे और दोनों कुछ बातचीत कर रहे थे, तो वहाँ पे एक ब्राह्मण आया, और ब्राह्मण बहुत ही क्या है, पुअर कंडीशन में था, गरीब था, और वो आके रोने लगा, और उसने कृष्ण से प्रार्थना की कि मेरी एक बेटी है जो विवाह के योग्य है, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे उसका विवाह कराना है, तो दया करके आप मेरी थोड़ी सी मदद करो. तो कृष्ण कहते हैं कि मैं कैसे मदद करूँ? तो कहते हैं कि आपका जो धन है वो मुझे दीजिए. अब कृष्ण चारों ओर देखते हैं, बोलते हैं मेरे पास धन, मेरे पास एक ही धन है, वो है राधा रानी, उसके सिवाय मेरे पास कुछ नहीं है. नहीं, आपके पास जो धन है वो दे दो, ठीक है इसको ले लो. तो
तो ब्राह्मण को बोलते कि इसको ले लो। अब ब्राह्मण जो है अपना सिर मारने लगता है, बोलता है पहले से ही मेरे पास एक लड़की है जिसके विवाह नहीं करा पा रहा हूँ, आप अब दूसरी बेटी को दे दिए, अब ये दोनों का विवाह मैं कैसे कराऊँगा। तो अब ब्राह्मण बैठ के सिर मार रहा है कि मैं क्या करूँ, तो उस टाइम पे वहाँ पे ललिता देवी आती है एंड शी इज़ वेरी शार्प। तो वो इमीडिएटली बोलती कि ओके इस प्रॉब्लम का मैं सोल्यूशन देती हूँ। तब वो क्या करती है, एक बड़ा सा तराजू लेके आती है, तराजू समझते हैं ना, स्केल, वेइंग स्केल। और फिर वो ब्राह्मण को बोलती कि एक बार दान दी हुई चीज़ तो वापस नहीं ले सकते, लेकिन दान जो चीज़ दी है उसके बराबर अगर सोना दिया जाए तो दान दी हुई चीज़ वापस ले सकते हैं। तो फिर वो राधा रानी को एक जगह पे तराजू में बिठाती है और फिर वहाँ जितनी सारी गोपियाँ हैं, ऑलमोस्ट ऑल 60 लाख गोपीज, ऐसा बताते आचार्य, 6 मिलियन गोपियाँ, वो सारे अपने कान के कुंडल, हाथ की चूड़ियाँ, गले की जो भी है, सारे सोने की चीज़ उस वेइंग स्केल में रख देते हैं और राधा रानी के इक्वल गोल्ड जो है उस ब्राह्मण को देते हैं। और फिर राधा रानी बहुत खुश हो जाती है कि भाई तुमने मुझे बचा लिया, नहीं तो मुझे तो दान में दे चुके थे। और फिर राधा रानी सोचती है कि ललिता ने मुझे इतनी मदद की तो मैं कैसे उसे रेसिप्रोकेट करूँ। तो फिर और एक लीला होती है ऊँचा गाँव में। ऊँचा गाँव ये जगह है जहाँ ललिता देवी का जन्म हुआ था। अब राधा रानी जो है बरसाना में रहती थी और ये जो अष्ट सखियाँ हैं उनके गांव बरसाना के आसपास लगे हुए हैं, ठीक है। तो ऊंचा गांव जो है उसे इसलिए ऊंचा गांव कहा जाता था क्योंकि छोटे से पहाड़ के ऊपर में था। हालांकि अब अगर हम जाते हैं तो वो उतना बड़ा पहाड़ नहीं रहा है, मतलब जो है ओवर द टाइम वो पहाड़ भी थोड़ा सा छोटा हो गया है और लोग भी जो पहले ऊपर बसते थे वो अब आसपास में नीचे बस गए हैं गांव में। तो अब ऊंचा गांव जो है इतना ऊंचा नहीं रहा, लेकिन ऊंचे गांव में जो है ललिता देवी का जन्म हुआ। तो ऊंचे गांव में एक छोटी सी जगह है जिसको बोलते हैं सखीगिरी, छोटा सा पहाड़। तो एक दिन ऐसा हुआ कि वहाँ पर सारी सखियाँ, राधा, माधव सब बैठे हुए हैं। अब ललिता जी को आदत है हमेशा माधव के राइट साइड में बैठ जाते हैं, तो ललिता जी इधर बैठी है, राधा रानी इधर बैठी है, सारी सखियाँ बैठी है। अब राधा रानी अपने मन में सोचती है कि ललिता ने मुझे जो मदद की मैं उसे रेसिप्रोकेट करना चाहती हूँ, तो सबसे बड़ा गिफ्ट किसी को क्या दे सकते हैं, जो भक्त है उसको एक ही गिफ्ट चाहिए, भगवान, उसको कृष्ण चाहिए। तो वो सोचती है कि मैं कृष्ण की और ललिता की शादी कराऊँगी। अब गांव में बच्चों के खेल तो ऐसे ही होते थे, सी आजकल के बच्चे मोबाइल में गेम्स खेलते हैं, वो टेंपल रन वगैरह, लेकिन हम जब छोटे थे हमारा तो खेलना वही होता था, छोटे छोटे बर्तन, बर्तन में और डॉल्स वगैरह, बस वही खेलना होता था। और उस ज़माने में बस यही खेलना है, किसी को किसी के साथ बांध दिया। तो फिर ये बताते हैं कि राधा रानी विशाखा को संकेत करती है कि कृष्ण को और ललिता देवी को पीछे से बांध दो। तो विशाखा पीछे से जाती है और ललिता की साड़ी और कृष्ण की शॉल को बांध देती है। और फिर तुंग विद्या जो है वो वीणा में शादियों के गाने गाने लगती है और सारी गोपियाँ भी उसी मूड में गाने लगती है। तो ललिता सोचती है कि शायद वे कृष्ण और राधा को संकेत करके गा रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद उसको पता चलता है कि नहीं ये तो मुझे संकेत करके गा रहे हैं। तो वो इमीडिएटली उठ जाती है कि नहीं ये तो मेरी जगह नहीं, ये तो राधा रानी की जगह है। और जब वो उठने की कोशिश करती है, क्योंकि दोनों को बांध दिया गया है, वो गिर जाती है और दोनों टकरा जाते हैं। तो ये लीला जो है वो सखीगिरी में हुई है। और उसके बाद में वहाँ पर होली खेलते हैं। तो आज भी जब हम सखीगिरी जाते हैं तो वो जगह वहाँ है जिसको ललिता विवाह मंडप कहा जाता है। और वहाँ के जो भी पत्थर है बहुत ज़्यादा मल्टी कलर्ड है, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने होली खेली थी। तो अभी भी आप देखो तो वो पत्थर दिखाई देते हैं और ललिता देवी की, राधा रानी के पैरों के चिन्ह भी दिखाई देते हैं। तो वो एक विशेष पास टाइम जो है ललिता देवी के साथ हुआ था। और पूरे व्रज में अगर आप देखो तो ललिता देवी के 3 मंदिर है। एक मंदिर आपका ललिता गांव में है, एक आपका नंद गांव में है और एक है राधा कुंड के पास। राधा कुंड श्याम कुंड है और राधा कुंड के नॉर्थन साइड पे ललिता कुंड है और ललिता कुंड के पास में ललिता बिहारी टेंपल है। तो वहाँ पे राधा रानी नहीं है, वहाँ पे सिर्फ ललिता है और कृष्ण है। और बाकी जो मंदिर है वहाँ पे राधा रानी और कृष्ण है और ललिता भी है। और ललिता गाँव में और एक विशेष पास टाइम हुआ था, जब माघ महीने में सारी गोपिका बोलती है कि हम जाएंगे प्रयाग, माघ महीने में त्रिवेणी में स्नान करना बहुत शुभ होता है।
तो वो बोलते हैं हम सब चलते हैं. तो कृष्ण बोलते हैं आप लोग मत जाओ, अगर आप जाएंगे तो आई विल मिस यू ऑल. वो लोग बोलते लेकिन जाना तो पड़ेगा क्योंकि प्रयाग में स्नान करना पुण्य होता है. तो कृष्ण क्या करते हैं, अपनी वेणु बजाते बजाते रोक लेते हैं और अपनी वेणु से जो है एकदम भूमि में एक होल बनाते हैं और वो होल इतना बड़ा हो जाता है और सारी त्रिवेणी जो नदियाँ है उस होल में घूम जाती है और वो बड़ा सा जो है कुआ जैसा बन जाता है. और फिर कृष्ण बोलते हैं कि आप इसी में नहा लो, आप लोग का त्रिवेणी स्नान हो गया. तो अभी भी अगर आप ललिता गांव में जाओ तो वो त्रिवेणी कूप है जो कृष्ण की मुरली से बना हुआ है. तो वैसे ललिता देवी के साथ जुड़े हुए बहुत सारे सुंदर सुंदर पास टाइम्स है. नंद गांव के पास भी ललिता कुंड है, कहा जाता है कि ललिता देवी वहां आती है स्नान करने के लिए. और ललिता कुंड के पास में लगा हुआ है झूलन स्थली. इसके बारे में बलराम जयंती के दिन ही मैं ये कथा बता चुकी हूँ, फिर से रिपीट नहीं करूँगी, कैसे नारद मुनि झगड़ा लगा देते हैं कृष्ण और राधा के बीच में और ललिता को फोर्स करते हैं कृष्ण के साथ झूला. तो वो पास टाइम उधर हुआ था, ललिता कुंड के पास में जो झूलन स्थली है तो वहाँ पे. तो उस तरह से ललिता देवी जो है बहुत एक्टिवली यू नो राधा कृष्ण के पास टाइम्स को इंस्टिगेट करती है, कोई ना कोई कारण से उस पास टाइम को वो करवाती है और सेवा करती है. ये जो ललिता देवी के विग्रह है उसकी स्थापना नारायण भट्ट गोस्वामी ने की थी और नारायण भट्ट गोस्वामी कृष्णदास ब्रह्मचारी के शिष्य थे और कृष्णदास ब्रह्मचारी जो है वे राधा मदन मोहन के हेड पुजारी है. और राधा मदन मोहन किन के विग्रह है, सनातन गोस्वामी के. किसने कहा, यस, राधा मदन मोहन सनातन गोस्वामी के विग्रह है और ये कृष्णदास ब्रह्मचारी जो है वे सनातन गोस्वामी के शिष्य थे. और हम जो श्री जी मंदिर जाते हैं राधा रानी का, वो विग्रह भी नारायण भट्ट गोस्वामी के द्वारा जो है एक्सकवेट किए गए थे. मतलब वज्रनाभ ने स्थापना की थी लेकिन कुछ वर्षों के बाद में वो गुम हो गए थे और फिर नारायण भट्ट गोस्वामी के सपने में आते हैं और फिर वो पुनर्स्थापना करते हैं. तो ऐसे हम देखते हैं कि ललिता देवी के लिए यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया गया है, हॉटी. हॉटी समझते हैं, नखचड़ी. नखचड़ी समझते हैं हिंदी में, नखचड़ी गुस्से वाली, गुस्से वाली. तो ललिता देवी बहुत गुस्से वाली थी, उसके साथ में कोई मतलब जो है बहुत स्ट्रिक्ट थी. वो थी बहुत स्वीट लेकिन कोई भी अगर सेवा में डिस्टर्बेंस होगा तो शी इज़ रेडी टू यूज़ हार्श वर्ड्स, वो उनका स्वभाव था. और राधा रानी और कृष्ण उससे बहुत डरते थे. ललिता सखी से आने वाले श्लोक को पढ़ेंगे, सेकेंड श्लोक. आई ऑफर माई प्रणाम्स अनटू ललिता देवी हुज ब्यूटिफुल फेस मॉक्स द ब्रिलियंस ऑफ द फुल मून, हुज आईज आर एवर रेस्टलेस लाइक दोज ऑफ ए स्टार्टल डो, हु इज़ फेमस फॉर हर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपर्टाइज इन द आर्ट ऑफ ड्रेसिंग श्रीमती राधिका एंड हु इज द repository of unlimited feminine qualities. जो ललिता देवी है उनमें बहुत सारे गुण थे. वे अच्छा ड्रेस करना जानती थी, वे रिडल्स समझते हैं, कठिन क्वेश्चंस बनाना, बॉल्स जो हम जैसे आजकल के मैजिशियंस को हम देखते हैं वो बॉल जगल करते हैं, वैसे टाइप की आर्ट उनको आती थी. तो मतलब सारी सखियाँ अगर बैठी है तो राधा कृष्ण को जो है वो आनंद देती थी अपनी अलग अलग कलाओं से. वो वीणा सुंदर से बजाती थी. अब राधा रानी की अष्ट सखियाँ है, इस तरह से कृष्ण की भी अष्ट सखियाँ है और अष्ट सखी की भी अष्ट सखियाँ है. तो अब ये जो ललिता देवी है उनकी भी अष्ट सखियाँ है. अब उनकी अष्ट सखियों का नाम किसी को पता है? उनकी अष्ट सखी का नाम था, लिख सकते हैं, सुभद्रा. सुभद्रा एक उनकी अष्ट सखी का नाम है, कालहंसी है, कल्पिनी है और भद्ररेखी का है, धनिष्ठा है, ये सब उनकी अष्ट सखियाँ थी. और ललिता देवी जो है वो लीडर थी ये सारी 60 लाख गोपिकाओं की. नेक्स्ट ये पढ़ेंगे. I offer pranam unto Sri Lalitha Devi whose limbs are adorned with a blouse as brilliant colored as the multicolored tail feather of an exactly dancing peacock. यहाँ पे बोलते हैं कि ललिता देवी जो कपड़े पहनती थी वो पीकॉक कलर, पीकॉक फेदर्स के जो कलर होते हैं उस कलर के होते थे.
इसके पीछे आचार्य बहुत सुंदर रीज़न बताते हैं. बोलते वे जान मुझ के ऐसे कलर के कपड़े पहनती थी जो कृष्ण को, जो राधा रानी को कृष्ण की याद दिलाए, क्योंकि कृष्ण का कलर भी ऐसा ही है. और कृष्ण और राधा रानी कभी कभी पीकॉक के साथ भी डांस करते थे, तो वो जान मुझ के उस कलर को पहनती थी जिसको देखने से राधा रानी को कृष्ण की याद आए. तो मैंने सोचा कि ये बहुत अच्छा पॉइंट है हमारे जीवन में उतारने वाला, कि हमारा जीवन, हमारी बातें, हमारा व्यवहार ऐसा होना चाहिए जिसको देखने से लोगों को कृष्ण की याद आए, राइट? बट हमारा व्यवहार उल्टा होता है, हमें देखने से लोग कृष्ण को भूल जाते हैं. कुछ सालों पहले मेरे स्कूल में HDFC बैंक से कुछ लोग आए थे, कुछ पेंटिंग कॉम्पिटिशन कंडक्ट करना चाह रहे थे स्कूल में. तो वो मैनेजर जो आया था, उसने बहुत सुंदर एक बैच पहना था. उस बैच पे लिखा था, रिमाइंड मी इफ़ आई एम नॉट स्माइलिंग, रिमाइंड मी इफ़ आई एम नॉट स्माइलिंग. तो शायद उनकी कंपनी में ऐसा कोई सिस्टम बनाया होगा कि भाई सारे एम्प्लॉयर्स को वो पहनना है, सो दैट दे स्माइल व्हेन दे स्पीक टू द कस्टमर्स. और मुझे वो बात इतनी अच्छी लगी, मुझे लगा कि हमारे मंदिर में हमें सारे भक्तों को वो बैच देना चाहिए और उसमें लिखना चाहिए कि रिमाइंड मी इफ़ आई एम नॉट रिमाइंडिंग यू अबाउट कृष्णा, रिमाइंड मी इफ़ आई एम नॉट रिमाइंडिंग यू अबाउट कृष्णा. मेरी बातों से, मेरे व्यवहार से क्या मैं आपको कृष्ण की याद दिला रही हूँ तो मैं भक्त हूँ. ऐसा नहीं कि मेरी बातों से आप कृष्ण से दूर हो जाए, ऐसा नहीं कि मेरे व्यवहार से आप माया के पास चले जाए, तो फिर मेरा व्यवहार गलत है. तो काइंडली रिमाइंड मी कि माता जी, एक्सक्यूज़ मी प्रभु जी, आपके व्यवहार से, सॉरी टू से, लेकिन मैं कृष्ण से दूर हो रहा हूँ. आपकी बातों से मैं भक्तों से दूर हो रहा हूँ, तो आई एम रिमाइंडिंग यू, काइंडली अब अपना बिहेवियर ऐसा मत रखो. हमारा बिहेवियर ऐसा होना चाहिए जिसको देखने से लोगों को कृष्ण की याद आए. क्यों ऐसा होना चाहिए? क्योंकि हम रूपानुग है. रूपानुग का मतलब क्या है? ललिता देवी की जो चीफ सेक्रेटरी है वो है रूपमंजरी. रूपमंजरी माने रूप गोस्वामी, और हम सब रूप गोस्वामी के अनुचार्य है. हम उनका अनुचरण, हम उनको फॉलो करते हैं. तो हम अगर अपने आप को रूपानुग कहते हैं तो हमारा बिहेवियर ऐसा होना चाहिए. ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. ललिता देवी का काम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एक ही चीज़ है, वे राधा और कृष्ण को मिलाती है. और इस मटेरियल वर्ल्ड में एज डिवोटीज हमारा काम भी यही होना चाहिए, राधा कृष्ण से भक्तों को मिलाना. तो इसलिए हमें इतना केयरफुल होना चाहिए कि हमारी बातों से, व्यवहार से, मन से, वाणी से ऐसा कुछ ना निकले जिससे भक्त लोग भगवान से दूर हो जाए. नेक्स्ट लाइन में, नेक्स्ट पैराग्राफ, फोर्थ पैराग्राफ में कहते हैं कि ललिता देवी इज अ चार्मिंग ट्रेजर हाउस ऑफ ऑल गुड क्वालिटीज़. उसमें सारे अच्छे गुण भरे हुए हैं. और ललिता देवी जो है वे राधा रानी को डांटती है. वो बोलती है कि तुम हर बार कृष्ण की बात इतनी जल्दी से क्यों सुन लेती हो, उसकी बात मत सुनो, उसके पीछे मत जाओ, तुम थोड़ा सा तुम्हारा रुआब दिखाओ. तो यहाँ पे बोलते हैं कि कभी कभी राधा रानी जल्दी जल्दी खाना खाती है क्योंकि कृष्ण से मिलने जाना है, तो ललिता डांट के पूछती हो जल्दी क्यों खा रही हो, नहीं कृष्ण से मिलने जाना है, आराम से खाओ, वो इंतज़ार करेगा, कोई बात नहीं है. अगर वो जल्दी जल्दी भाग के जाती है तो राधा रानी फिर से बुलाती है, इतना जल्दी भाग के क्यों जा रही हो, नहीं नहीं कृष्ण ही नहीं, कोई बात नहीं, तुम आराम से रहो, मैं फिर से एक बार तुमको साड़ी जो है ठीक से पहनाती. मतलब वो डांटती है ना. इमेजिन, आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू थिंक दैट हाउ कम दीज गोपिकाज इतनी पावरफुल है दैट दे कैन कंट्रोल कृष्णा, दे कैन कंट्रोल राधा रानी. राधा रानी की शिक्षा गुरु है ललिता देवी. अमेजिंग. कृष्ण को जो कंट्रोल करती है उसको राधा रानी कंट्रोल करती है. कभी कभी जैसे कृष्ण चंद्रावली को मिलने जाते हैं और फिर जो है ललिता जाके इसको बोलती है राधा रानी को, क्या तुमको पता है कृष्ण चंद्रावली से मिलने गए थे, तो ललिता बोलती है अच्छा ठीक है कोई बात नहीं. तो ललिता सिखाती है राधा रानी को कि कोई बात नहीं का क्या मतलब है, आज चंद्रावली को मिलने गए हैं, कल किसी और को, कल किसी और को, ऐसा करने से तो तुम्हारे पास वो आएंगे ही नहीं, तुम्हें थोड़ा सा मान दिखाना पड़ेगा, तुम्हें थोड़ा सा रूठना पड़ेगा. तो जैसे ललिता बोलती है राधा रानी वैसे ही व्यवहार करती है.
तो कैन यू इमेजिन कितने कंट्रोल में है. एंड वॉट इज़ दैट इन द गोपीज कि राधा और कृष्ण उनके कंट्रोल में आ जाता है. ड्यू समटाइम्स वंडर कि ऐसा क्या है उनमें, वॉट इज़ सो स्पेशल इन देम. जैसे एक बार राधा रानी मान लीला कर रही थी. मान लीला समझते हैं ना, मान लीला माने रूट जाना. राधा रानी की हर चीज़ को लीला बोलते हैं. वो रूठ जाए तो लीला है, वो रोए तो लीला है, वो नाचे तो लीला है, वो खाना खाए तो लीला है. मैं बहुत बार समझा चुकी हूँ ये मीनिंग लीला का. जब एक कोई भी एक इच्छा को पूरा करने के लिए हम जो काम करते हैं उसे कर्म कहा जाता है. लेकिन भगवान में कोई इच्छा नहीं होती. वे आत्मा राम है, वे अप्तकाम है, उनकी इच्छा होती ही नहीं, लेकिन वो फिर भी कार्य करते हैं. तो बिना इच्छा के किए हुए इस कार्य को लीला कहते हैं. इसलिए वे जो करते हैं वो लीला है, हम जो करते हैं वो कर्म है. और ये जो लीला राधा कृष्ण की होती है, रूठना मनाना, ये मुंडेन नहीं है, ये दिव्य है. तो मैं बता रही थी कि ये जो सखिया है वे बहुत सेल्फलेस है. वे कुछ भी अपनी इच्छा पूर्ति करने के लिए नहीं करते हैं. वे जो करते हैं कृष्ण के आनंद के लिए ही करते हैं. उनकी अपनी कोई इच्छा है ही नहीं. दे लव कृष्णा अनकंडीशनली एंड सेल्फलेसली. एक बार एक प्रवचन में मैं ये बात बता रही थी तो किसी ने मुझे बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा. बोला कि आपने कहा कि कभी भी वे ऐसा कुछ नहीं करती जो अपने डिज़ायर के लिए है, वे सिर्फ कृष्ण के डिज़ायर के लिए करती है. तो फिर जब कृष्ण अक्रूर के साथ मथुरा जा रहे थे तो गोपिकाओं ने कृष्ण को क्यों रोका? वो तो अपने डिज़ायर के लिए रोका क्योंकि वो दे आर गोइंग टू मिस कृष्ण. वो लोग कृष्ण को मिस करेंगे इसलिए रोका. तो यहाँ पर तो उनका स्वार्थ है. कृष्ण तो जाना चाह रहे थे मथुरा लेकिन ये रोक रहे थे. आपको क्वेश्चन समझ में आया? लेकिन आप तो अभी अभी बोल रहे कि वो लोग स्वार्थी नहीं हैं, वो कृष्ण को प्यार करते हैं, कृष्ण जो चाहते हैं वो वही चाहते हैं. इसके पीछे भी एक कारण है. वे कृष्ण को इसीलिए नहीं रोक रही थी कि दे आर गोइंग टू मिस कृष्ण. वो कृष्ण को इसीलिए रोक रही थी बिकॉज दे नो कृष्ण कैन लिव विदाउट देम. समझ में आया? उनको समझ में आ रहा है कि कृष्ण उनके बिना नहीं रह सकते हैं. वो पक्का मथुरा जाने से रोएंगे. तो इसलिए वे कृष्ण को समझा रहे हैं कि तुम पागल हो चुके हो, हमारे बिना तुम रह नहीं सकोगे. तुम मथुरा जा तो रहे हो लेकिन वहाँ जाने के बाद तुम्हें आनंद नहीं मिलेगा. समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे उनका कोई सेल्फिश एटीट्यूड है ही नहीं. ये तो ऐसा बात है कि कोई छोटा सा बच्चा खेल रहा हो, समझो खेलते खेलते लाल मिर्च, जानते हैं लाल मिर्ची, हाथ में लाल मिर्ची आ गई. अब लाल लाल है, दिखने में बहुत अच्छी लग रही है. अब बच्चा खाना चाहता है तो आप खाने देंगी? एक माँ है, नहीं खाने देंगी. क्यों आप इतना स्वार्थी बन रही है? बच्चा खाना चाह रहा है बेचारा, वो रो रहा है, आप स्वार्थी क्यों बन रही है? आप बोलेंगे माताजी आप पागल तो नहीं होगी, उसमें स्वार्थी क्या है? वो उसके लिए अच्छा नहीं है, उसको समझ में नहीं आ रहा है. बस यही बात है गोपिका का. उनको लग रहा है कि उनको कृष्ण को समझ में नहीं आ रहा है. वो जाएंगे मथुरा तो वो रोएंगे हमारे बिना, वो नहीं रह सकते. कौन खाना खिलाएगा, कौन उनको देखेगा? दो मिनट होगी तो यशोदा माता की याद आ जाएगी. तो वो स्वार्थी नहीं हो रहे थे, वे कृष्ण के लिए ही कृष्ण को रोक रहे थे. ऑफकोर्स ये काफ़ी हाई है समझने के लिए, बट गोपियों का प्यार जो है वो निस्वार्थ है. इसलिए कृष्ण उन्हें इतना प्यार करते हैं और इसलिए कृष्ण पे उनका इतना अधिकार है. रस खान के बारे में सुना है? एक मुस्लिम भक्त था कृष्ण का, वृंदावन में रहते थे. और उनकी एक बहुत सुंदर कविता है. वे कहते हैं, शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश हु जाहु निरंतर गावे. जाहु अनादि अखंड अनंत अशेष अछेद सुवेद सुनावे. नारद से सुख व्यास रटे पछी हारी तऊ किचु पार न पावे. ताहे अहीर की छोहरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावे. आई समझ में? हिंदी वालों को समझ में आ गई होगी. बोलते हैं कि शेष माने अनंत शेष, लक्ष्मण जी शेष, और गणेश जी, महेश शिव जी, दिनेश सूर्य भगवान, सुरेश इंद्र जी, जिनका निरंतर गुण गान करते हैं,
और अनादि जो सब कारण के कारण है, अनादि अनंत अछेद अखंड अछेत अभेद जो भगवान है, सो वेद बतावे, जिसके बारे में वेद बता रहे हैं कि वे अनंत है, अखंड है, अभेद है। व्यासदेव नारद से सुख व्यास, नारद मुनि सुखदेव गोस्वामी व्यासदेव जिनके बारे में बताते बताते थक जाते हैं, फिर भी पूरी तरह से उनके बारे में बता नहीं पाते, समझ नहीं पाते, नहीं बताते पाते, उनका कोई एंड समझ में नहीं आता है, ऐसे श्री कृष्ण भगवान को ताही अहीर की छोहरिया, ऐसे भगवान को ये जो गांव की छोरिया है, छछिया भर छाछ पे नाच नचावे, थोड़ा सा छाछ पीने के लिए नाच नचाती है, नाचो थोड़ा सा छाछ, कृष्ण तुम नाचो, वो नाच दे तो बोले ए लो थोड़ा सा छाछ, अब और नहीं पीना, चलो नेक्स्ट नाचो, छछिया भर छाछ। भगवान जो देवाधि देव है, पूरी दुनिया के मालिक है, थोड़ी सी छाछ के लिए नाच नचाते हैं। ऐसे रसखंड लिखते हैं कि ऐसे है गोपियों का प्यार, और कृष्ण बड़े इनोसेंट से ठीक है नाचूंगा, थोड़ा सा माखन दीजिए। तो वाई वाई इज कृष्ण कॉन्कर्ड बाई देम, क्यों? बिकॉज दे सेल्फलेसली लव हिम, दे डोंट डू बिजनेस विथ हिम, वे कृष्ण से बिजनेस नहीं करते, मैं भक्ति करूँगा आप मुझे ये दो, मैं ये करूँगा आप मेरे लिए ऐसा करो, मैं डोनेशन दूंगा आप मेरे लिए ऐसा करो, मैं साधना करूँगा आप मेरे लिए ऐसे करो, हम बिजनेस करते हैं, वे बिजनेस नहीं करते, वे प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं कृष्ण से। तो यहाँ पे बोलते हैं कि ये जो ललिता देवी है उससे डरते हैं कृष्ण, उससे डरते हैं राधा रानी। तो एक बार राधा रानी मान लीला कर रही है, वे कृष्ण से बात नहीं कर रही है, कृष्ण उनसे मिलना चाहते हैं, कृष्ण रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अब वहाँ पे मंजरिया है, मंजरी माने सखियों के नीचे जो होती है 12-13 साल की छोटी छोटी लड़कियाँ। तो कृष्ण रूपमंजरी को बुलाते हैं, बोलते जाके राधा रानी को बोलो मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तो रूपमंजरी जाती है और राधा रानी को बोलती है कि कृष्ण रो रहे हैं आपके लिए, वो आपसे मिलना चाहते हैं। तो राधा रानी बोलती है मैं भी मिलना चाहती हूँ, लेकिन ललिता सखी से डर लगता है, वो बोलेगी इतना जल्दी कैसे मान गई तुम, तुमको आता ही नहीं नखरा दिखाना तो मैं क्या करूँ, पहले उसको मनाओ फिर मैं कृष्ण से मिलूँगी। फिर रूपमंजरी जाके ललिता देवी को मनाती है और फिर ललिता देवी बोलती है ठीक है मिलने दो। जस्ट इमेजिन पूरी लीला उनके कंट्रोल में है। और ऐसे श्री ललिता देवी का अपीयरेंस डे कब है? आने वाले 4 तारीख को। इसलिए मैं अभी से बता रही हूँ कि हम उस मूड में आए और उन्हें प्रे करें और उनकी ब्लेसिंग्स लेने की कोशिश करें। ये कृष्णा कॉन्शियस प्रोसेस जो पूरा है, इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व है, सिर्फ हम और कृष्णा, ये डायरेक्ट वाला बात नहीं है, इतने सारे लोगों को खुश करना है। जिस तरह से किसी के साथ बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड का जब रिश्ता हो जाता है तो सबसे पहला टेंशन गर्लफ्रेंड का ये होता है कि अब उसके साथ शादी करनी है, तो उसके माँ को मनाना है, पिता को मनाना है, बहन को मनाना है, सबको, पूरी परिवार को मनाएंगे तभी जाके उसके घर में सेटल हो पाएगी। बस वैसा ही हमारा रिश्ता है, हम कृष्ण से प्यार करते हैं तो कृष्ण की राधा को, सखियों को, भक्तों को, उनके साथ जुड़े हुए हर पर्सन को बटर लगाना है, तब जाके वो मिलेंगे। हम सोचते हैं हम उनसे डायरेक्ट, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, तो फिर ज़्यादा दिन नहीं टिकेंगे। अगर उनके साथ जुड़े हुए हर पर्सन के साथ हमारी दोस्ती बना देंगे तो फिर कृष्ण हमारे। तो इसीलिए अब ललिता देवी को भी जो है हमें थोड़ा सा मस्का लगाना है, प्रे करना है, उन्हें उनकी ब्लेसिंग्स लेनी है। नेक्स्ट उसमें चले जाएंगे 5th one। I offer pranam unto the abode of all good qualities, the supremely charming Lalitha. Upon hearing Shri Krishna speak even a few crafty words to Radhika, she immediately becomes furious and embarrasses Krishna with sarcastic words. ये तो सिर्फ गोपियाँ ही कर सकती है, कृष्ण को टॉन्ट मारना, डांटना, उसके साथ झगड़ा करना, कृष्ण के सखा ही कर सकते हैं, उसे पिंच करना, थप्पड़ मारना, कभी कृष्ण को बोलना मुंह खोलो तुमको स्वीट देता हूँ, और फिर कोई कड़वा सा फ्लावर उनके मुंह में डाल देना, बस ये सब वो ही कर सकते हैं। तो बोलते हैं कि अगर कभी कृष्ण कुछ भी राधा रानी को बोल दे
तो ललिता देवी सबसे पहले रेडी हो जाती है फाइटिंग करने के लिए. एक लीला मैंने पढ़ी थी बहुत सुंदर, किताब याद नहीं आ रही कौन सी किताब में, उसमें ऐसा आता है कि एक दिन सारी गोपियाँ जो है वृंदावन के किसी कुंज में फ्लावर्स जो है तोड़ रही है सूर्य पूजा के लिए. तो कृष्ण वहाँ पे आके राधा रानी को और सबको डांटने लगते हैं, तो आप लोगों को कोई काम है कि नहीं, यू नो पूरा वृंदावन नष्ट कर देते हो, जहाँ मर्जी वहाँ से फूल तोड़ लेते हो, पूरा वृंदावन के जो सारे पौधे हैं सब खराब हो जाते हैं, क्योंकि आप पूरे वहाँ से फल और फ्रूट्स जो है आप जो है ले लेते हो, ये फूल ले लेते हो. अब राधा रानी तो उसका कोई जवाब नहीं दे पाती है, लेकिन ललिता इमीडिएटली आ जाती है, बोलते क्या बोल रहा है, कौन बोल रहा है, इधर आओ इधर आओ, मेरे सामने आओ, क्या प्रॉब्लम है. नहीं नहीं तुम लोग फूल क्यों ले रहे हो, सब खराब हो जा रहे हैं ना, पौधे का पूरा शो खराब हो जा रहा है, तो पूरा वृंदावन का फॉरेस्ट जो है आप लोग की वजह से नष्ट हो गया है. तो ललिता देवी बोलते कि हम लोगों की वजह से नष्ट हुआ है, उसके साथ तुम्हारा क्या कंसर्न है. तो कृष्ण बोलते कि मैं व्रजराज हूँ ना, वृंदावन का राजा हूँ, और वृंदावन में कुछ नष्ट नहीं हो वो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसलिए मैं टेक केयर कर रहा हूँ. तो ललिता देवी बोलते अच्छा तुम वृंदावन के राजा हो, तो क्या तुमने आज तक भी कभी एक भी बीज बोया है, कभी कोई भी पौधे में पानी डाला है, और वो बात तो छोड़ दो, आज तक वृंदावन के वन में अगर कोई भी पौधे खराब हुए हैं तो वो तुम्हारे वजह से हुए हैं. तो कृष्ण बोलते मैंने क्या किया, बोलते तुम हजारों लाखों गायों को लेके आ जाते हो, तुम्हारे पिताजी के 9 लाख गाय है, वो 9 लाख गाय जो है पूरे वृंदावन में चरती है और सारे पौधों को नष्ट कर देती है. अब कृष्ण बोलते कि तुम मेरा अपमान कर रही हो, मेरे जैसा एक धार्मिक आदमी, यहाँ पे मैं एक अच्छा धर्म के बारे में बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि पौधों को नष्ट नहीं करना चाहिए, और मेरे जैसे धार्मिक आदमी का तुम अपमान कर रही हो. तो ललिता देवी बोलते अच्छा तुम धार्मिक हो, मैंने तो सुना था कि जब तुम्हारा जन्म हुआ तभी तुमने एक स्त्री को मार डाला था जो तुम्हें दूध पिलाने आई थी, और तुम धार्मिक हो. अब कृष्ण क्या बोले, बोले तुम बोलते हो कि तुम धार्मिक हो, लेकिन वृंदावन के किसी भी घर में जाके पूछ लो तो सारे बोलते कि हमारे घर का माखन कृष्ण चोरी करता है. तुमने कहा तुम धार्मिक हो, धार्मिक लोग चोरी करते हैं. अच्छा तुम कहते हो तुम धार्मिक हो, कुंवारी लड़कियों के कपड़े चोरी कर लेते हो जब वे नहाने जाती है, और तुम धार्मिक हो. अच्छा तुम बोल रहे हो कि तुम धार्मिक हो, लेकिन शादीशुदा स्त्रियों के साथ रात में रासलीला करते हो, और तुम धार्मिक हो. अब और कुछ बोलेंगे उसके पहले कृष्ण वहाँ से भाग गए. बोला ठीक है मेरे को इनके साथ में कोई फाइटिंग नहीं करनी है. तो ये ललिता देवी का स्वभाव है, हॉटी. अगर उसके साथ में कृष्ण कोई तर्क नहीं कर सकते, वो पहले ही वहाँ से भाग जाते हैं. तो ये ललिता देवी का एक ये है. और वो राधा रानी को भी जो है ऑर्डर करते रहती है, इतना जल्दी मत मान जाओ, इस काले आदमी के पीछे मत घूमो, इसका हृदय भी काला है, ये कभी भी धोखा दे सकता है. तो ऑफ कोर्स बहुत सारी वर्ड्स यहाँ पे है जो शायद हमारे लेवल के नहीं है, इसलिए हम मैं उस पर ज़्यादा जाना नहीं चाहूँगी, लेकिन ये है रिलेशन ललिता देवी का. नेक्स्ट उसमें चले जाएंगे श्लोक में. I offer my pranam unto supremely charming Sri Lalitha Devi, who possesses the aggregate of divine qualities. She is receptacle of Srimati Yashoda Devi's parental affection, the guru of all sakhis, who instructs them on the matter of friendship and the very life of both Radha and Krishna. See, Lalitha Devi Krishna ko sirf madhurya bhav mein hi prem nahi karti thi. माधुर्य के साथ में वात्सल्य भाव भी जुड़ा हुआ है. इनफैक्ट सारी गोपिकाएं जो कृष्ण को माधुर्य भाव में प्रेम करती थी उसमें वात्सल्य भाव भी है, क्योंकि वे कृष्ण का टेक केयर भी करती थी, उसे प्रेम भी करती थी, कृष्ण क्या खाएंगे कृष्ण क्या करेंगे वे भी चिंता करती थी. जैसे राधा रानी भी, वे कृष्ण को वात्सल्य भाव में भी प्रेम करती थी, क्योंकि कृष्ण के लिए खाना भी बनाती थी. आपको पता है वो कहानी, जब राधा रानी छोटी थी तो वहाँ पे मट्टी के बर्तन में वे खीर बना रही थी, और दुर्वासा मुनि वहाँ पे आ जाते हैं, और दुर्वासा मुनि को देखने से सारे जो छोटी छोटी गोपिकाएं हैं सब भाग जाती है डर से, क्योंकि सबको पता है दुर्वासा मुनि थोड़ा सा गुस्सा आने से श्राप दे देते हैं, लेकिन राधा रानी नहीं भागती है वहाँ से. तो दुर्वासा मुनि हंसते हुए पूछते कि तुम क्या बना रही हो लाली, तुम क्या बना रही हो. बोलते मैं खीर बना रही हूँ. बोले मुझे दोगी. तो जो राधा रानी जो खीर जो बनाती है वो दुर्वासा मुनि को देती है. दुर्वासा मुनि बोलते कि उत्तम, कितनी सुंदर चीज़ बनाई है, मैं तुमको ब्लेस करता हूँ कि तुम जो खाना बनाओगी और तुम्हारे हाथ का बना हुआ खाना अगर कोई खाएगा तो ही विल हैव ए लॉन्ग लाइफ.
उसका जो जीवन का ये है वो बढ़ जाएगा, आयु बढ़ जाएगी. तो तब से जो है यशोदा माता को ये पता था, तो इसीलिए कृष्ण के लिए खाना कौन बनाती थी? राधा रानी. यशोदा माता राधा रानी को रिक्वेस्ट करती थी कि तुम बनाओ, क्योंकि तुम्हारे हाथ का खाना खाएगा तो मेरा लल्ला जो है उसकी आयु बढ़ जाएगी. तो इसलिए जब राधा रानी की शादी हो गई अभिमन्यु के साथ, तो यशोदा माता ने मैसेज भेजा कि राधा रानी को भेजो हमारे घर में खाना बनाने के लिए. तो अभिमन्यु की मदर बोलती है कि मैं कैसे भेजूँ, मेरे घर की बहू आपके घर में आके खाना क्यों बनाएगी. तो फिर सारे जाके जो है अभिमन्यु की मदर को समझाया, बोला जब इंद्र ने वर्षा भेजी थी तो हमें किसने बचाया? बोला कृष्ण ने बचाया. बोला हर मुश्किल से हमें कौन बचाता है? बोलता कृष्ण बचाता है. तो इसलिए अगर कृष्ण की आयु बढ़ेगी तो हमारे सबके लिए अच्छे है, इसलिए आप भेजो राधा रानी को, क्योंकि कृष्ण की आयु बढ़ेगी तो व्रज में सबको वो बचाएगा. तो इसलिए आप काइंडली जो है कृष्ण की आयु बढ़े इसलिए राधा रानी को आप भेजो. तो इसलिए राधा रानी अपने ससुराल से भी रोज़ जाती थी और वहाँ पे कृष्ण के लिए नंदगांव में प्रसाद बनाती थी, खाना बनाती थी. और राधा रानी के लिए पालकी आती थी नंदगांव से, तो पालकी में सारे सखियों के साथ में वे रोज़ जाती थी. वहाँ ललिता, धनिष्ठा सारे जाते थे और कृष्ण के लिए राधा रानी खाना बनाती थी. और आचार्य कहते हैं कि इतनी सारी आइटम्स राधा रानी बनाती थी कि कभी भी कोई भी आइटम जो एक बार बना दिए वो फिर कभी रिपीट नहीं होती थी. दैट्स अबाउट इट. एक बार अगर एक आइटम बना दिया इन हर लाइफ टाइम, फिर वो आइटम कभी रिपीट नहीं होता, फिर न्यू आइटम, फिर न्यू आइटम. उतना सुंदर से वे वो जो है खाना बनाती थी. तो इवन ललिता जो है वे राधा रानी को जो है माधुर्य भाव से और वात्सल्य भाव से प्रेम करती थी, वे कृष्ण की टेक केयर करती थी. ललिता जी का अपना एक कुंज होता था जिसको ललिता कुंज बोलते हैं. और आचार्य कहते हैं कि उनका जो ललिता कुंज था, इट यूज़ टू लुक लाइक ए लाइटनिंग. जब लाइटनिंग गिरती है तब कैसा लगता है, सब चमक चमक, वैसे उनके कुंज में ऐसा लगता था जैसे सारा कुंज रेड कलर रूबीज से भरा हुआ हो. उतना सुंदर ललिता देवी का कुंज था. नेक्स्ट उसमें चले जाएंगे. I offer my pranam unto the supremely charming Sri Lalitha Devi, the treasure house of all good qualities. Upon seeing any young maiden anywhere in Braja, if she sees that they are inclined towards her Priya Sakhi Srimati Radhika, she would immediately fulfill all of that maiden's internal desires and satisfy her completely. Lalitha Devi ka aur ek seva ye hota tha, if she finds anybody free, koi bhi khali baitha hua hai, usme achhe gun hai, तो शी विल इमीडिएटली एंगेज देम इन राधा एंड कृष्णास सर्विस. सो दिस इज़ हर सेवा. यू कैन यू अंडरस्टैंड, जैसे आप कोई ऑडिशन के लिए जाते हो तो वहाँ पे जो बैठे रहते हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट ना, बिकॉज दे विल सी तुम्हारा एक्टिंग अच्छा है क्या है, तो तुम्हें वो रोल के लिए सेलेक्ट करेंगे. वैसे ललिता देवी इज़ इन दैट कमिटी जहाँ पे शी चेक्स अस, इसका भाव कैसा है, ये कैसे टाइप का पर्सन है, इसको कृष्ण की सेवा दी जाए या नहीं. शी इज़ गोइंग टू चेक, शी इज़ गोइंग टू टिक मार्क, यू अंडरस्टैंड. तो ललिता देवी का कितना इंपॉर्टेंट रोल है. सो वो हमें, और अगर वो हमें थोड़ी भी कोई छोटी अच्छी क्वालिटी देखती है, देन शी विल इमीडिएटली एंगेज अस इन कृष्ण सर्विस. समथिंग लाइक वॉट श्रील प्रभुपाद डज, वॉट अवर गुरुदेव डज. किसी में भी छोटा सा कोई भी अच्छा गुण देखे, कोई भी छोटा सा स्पार्क देखे, तो दे जस्ट फैन इट and make use of that quality. उस quality को use करते हैं कृष्ण की सेवा में. बहुत famous है कि ये कहानी है ना, कैसे एक बार एक साधु जो है वे एक गांव से दूसरे गांव जाते हैं. तो एक गांव से दूसरे गांव जाना है तो रात को कहीं तो रुकना है. तो गांव के कोने में, मतलब जैसे आप एक गांव से दूसरे गांव जाते हैं तो जो एंड होता है वहाँ पे एक छोटा सा घर था. तो साधु ने सोचा कि मैं जो है रात को यहाँ रुक जाता हूँ, कल सुबह चला जाऊँगा. तो जब उसने दरवाज़ा नॉक किया तो वहाँ पे तीन लोग थे. तो अब साधु को देख के उन्होंने अंदर बुला लिया, उसको जो है अकोमोडेशन दिया, खाना वगैरह दिया. अब साधु वहाँ दो तीन दिन के लिए रुके थे. अब साधु ने दो तीन दिन में ऑब्जर्व किया कि भाई ये लोग तो कुछ चोरी जैसा काम में लगे हुए हैं, क्योंकि सुबह पूरा साधु की सेवा में रहते थे और रात को जो है ये तीनों कहीं चले जाते थे. और सुबह जब आते थे तब ये साधु पूछते थे कि भाई किस काम के लिए गए थे, वो काम हुआ? ये लोग बोलते थे हुआ नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, कल फिर कोशिश करेंगे. तो ऐसे तीन चार दिन तक साधु जो है देख रहा है कि ये लोग रात को जाते हैं, सुबह आते हैं, काम क्या करते हैं. और फिर एक दिन साधु ने पूछ लिया कि भाई तुम्हारा काम क्या है? तो बोले गुरुजी आपसे झूठ नहीं बोलेंगे,
हम लोग चोर हैं, चोरी करते हैं, हमारा ये रात को चोरी करते हैं, सुबह जो है हम आपकी सेवा में हैं। तो गुरु जी उनको बोलते हैं कि तुमको चोरी क्यों करनी है, हमें प्रेशियस जेवल्स चाहिए, पैसा कमाना है। अब गुरु जी बहुत बुद्धिमान थे, उनको लगा कि भाई कुछ हो नहीं हो, इसमें एक गुण ये तीनों चोर में है कि ये लोग में डिटर्मिनेशन बहुत है, क्योंकि रोज़ चोरी करने के लिए जा तो रहे हैं, काम नहीं हो रहा है, फिर भी अगले दिन जा रहे हैं, और इनके डिटर्मिनेशन को जो है मैं कृष्ण सेवा में यूज़ कर सकता हूँ। तो उन्होंने इसको कहा चोरों को, भाई तुमको अमीर बनना है तो मैं एड्रेस देता हूँ, यहाँ तुम्हारा कुछ होने वाला नहीं है, एक बड़ा जगह का एड्रेस देता हूँ, वहाँ एक बार चोरी करोगे तो ज़िंदगी भर चोरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बोला ठीक है, कहाँ जाना है? बोला एड्रेस लिखो वृंदावन। बोले वहाँ जाओ। बोला अच्छा वहाँ किससे मिलना है? बोला एक लड़का है बहुत अमीर, बाप का बेटा है। बोला अच्छा बाप का नाम क्या है? बोला नंद महाराज। बेटे का नाम क्या है? बोला कृष्ण। कहाँ मिलेगा? बोले वृंदावन के जंगल में। क्या चोरी करना है? बोलता है उसकी जो माँ है वो बहुत सारे ज्वेलरी उसको पहना देती है, अकेला बच्चा जो है पूरे फॉरेस्ट में घूमता है, उसके आसपास कोई नहीं, सारे ज्वेलरी तुम जो है वहाँ से उठा लो, तुम अमीर बन जाओगे। तीनों चोर बहुत खुश, गुरुजी को प्रणाम किया, निकल गए वृंदावन की ओर। अब वृंदावन में जा रहे हैं, सबको पूछ रहे हैं कि भैया नंद जी का बेटा जो है नंद नंदन कृष्णा वो कहाँ मिलेगा। अब वृंदावन में सारे सोच रहे बेचारे कितने अच्छे भक्त है, गली गली में सबको पूछ रहे कि नंद नंदन कृष्ण कहाँ मिलेगा। हाँ भाई मिलेगा मिलेगा, हम भी ढूंढ रहे हैं। अब चोर सोचा है तुम भी ढूंढ रहे हो, हम भी ढूंढ रहे हो, उसका मतलब बहुत अमीर है, सारे ढूंढ रहे हैं उसको वृंदावन में, जिसको पूछे सब बोल रहे हैं हाँ भाई हम भी ढूंढ रहे हैं नंदनंदन को। अब ये लोग तो और भी सीरियस हो गए, दिन रात बोला ये लोग सबको मिले उसके पहले हम ढूंढेंगे, क्योंकि सारे चोरी करें उसके पहले हम चोरी करेंगे। अब वृंदावन के फॉरेस्ट में नंदनंदन कृष्णा कृष्णा बोलते रहे। अब इतना जो वो सीरियस थे, फाइनली कृष्णा आ गए, उनके सामने आ गए। अच्छा बोला फाइनली तुम मिल गए, तुम ही कृष्णा हो? बोला हाँ। बोला बोलो तुमको क्या चाहिए? अब जब ये तीनों चोर ने कृष्ण की तरफ देखा, और एक बार जो कृष्ण को देखता है उसके तो सारे पाप धुल जाते हैं। अब कृष्ण ने बोला कि तुमको क्या चाहिए? बोला कुछ नहीं, तुमको तुम्हारी माँ ने बहुत अच्छा से सजाया है, ऊपर से नीचे तक सारे ज्वेलरी है, लेकिन कहीं कहीं कुछ कुछ गैप रह गया है, वो गैप में हमारे पास जो है वो तुमको देने के लिए आए हैं। तो उनके पास जितने भी आभरण थे वो बाकी जहाँ जहाँ खाली जगह है वहाँ कृष्ण को पहना दिए, और फिर कृष्ण गायब हो गए। और कृष्ण गायब होने के बाद भी वे जो है कृष्ण की याद करते करते चले गए। अब एक बार जो कृष्ण की सेवा उन्होंने कर दी है, तो अब कृष्ण ने क्या किया, उनको नित्य पार्षद बना लिया। तो आने वाले कलयुग में जब कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, तो फिर ये जो है चोर के जैसे जन्म लिए हैं नदिया में, और फिर क्या किए हैं, फिर से निमाई को उठा लिए हैं चोरी करने के लिए सारे ऑर्नमेंट्स। अब लास्ट टाइम क्या किया था, भगवान को आभरण पहनाए थे, इस बार भगवान ने बोला कि तुमने लास्ट टाइम तो सारी ज्वेलरी मुझे पहना दी है, इस बार मेरे को भोग खिलाओ। तो इसलिए इस बार क्या हुआ, जब निमाई को वो लोग ने कंधों पर ले लिया था दोनों चोर ने, और वे क्या कर रहे थे, निमाई को भगा के ले जा रहे थे, लेकिन आपको पता है वो कहानी, जितना बार भी भाग रहे थे भाग भाग के उसी के घर में वापस आ रहे थे, लेकिन कहीं ये बच्चा रो ना दे, आवाज़ ना करे, इसलिए रास्ते भर उसको रसगुल्ला मिठाई खिलाते खिलाते जा रहे थे। तो भगवान ने बोला लास्ट टाइम तुमने ज्वेलरी से डेकोरेट किया, इस बार मुझे भोग भी दे दिया, तो तुम्हारी जो है लाइफ कम्प्लीट मेरी सेवा में। और उसके बाद जब घूम घूम के थक गए और निमाई को जो है नीचे उतार दिया कि भाई इससे चोरी करना फ़ायदा नहीं है, बार बार घूम के उसके पिताजी के घर के सामने हम आ रहे हैं, तो चैतन्य महाप्रभु को निमाई को वहाँ छोड़ के वे चले गए। लेकिन एक बार निमाई का जो हाथ शरीर उनको छुआ है, अब वो क्या हो गए, एकदम पगला गए, मतलब बिल्कुल हरे कृष्ण महामंत्र बोले बिना एक मिनट भी रह नहीं पा रहे। तो जब से निमाई उनको छूते हैं तब से क्या करते हैं वो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मैं एक एग्जांपल इसलिए बता रही हूँ कि क्या है गुरु का काम, आप में जो छोटी सी क्वालिटी होती है उस क्वालिटी को फैन करके उसको कृष्ण सेवा में लगाना। जैसे श्रील प्रभुपाद बोलते थे यूटिलिटी इज़ द प्रिंसिपल, श्रील प्रभुपाद बोलते थे कि ऐसा नहीं है कि कोई भी सर्व गुण संपन्न हो सकता है, सब में कोई ना कोई त्रुटियां होती है, लेकिन प्रभुपाद बोलते थे आप में जो गुण है उसको कृष्ण सेवा में लगाओ। कोई अच्छे से गा सकता है तो गाओ कृष्ण के लिए, कोई अच्छे से बोल सकता है तो बोलो, कोई पैसा कमाने में बहुत एक्सपर्ट है तो कमाओ कृष्ण के लिए, कोई
कोई कुछ और में एक फेमस है, कोई पेंटिंग में, कोई जिसमें जो गुण है उस गुण को कृष्ण की सेवा में लगाओ। लेकिन आप में जो गुण नहीं है, अगर आप कुछ और करने की कोशिश करोगे तो उसमें आप सक्सेसफुल होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन जो गुण है उसी को डबटेल करो। फॉर एग्जांपल, कोई बहुत पैशनेट है, बहुत ज़्यादा एनर्जी है उसमें, इतने सारे विचार आते हैं, लगता है ये काम करूँ वो काम करूँ, उसको अगर कोई बिठा देगा कि भाई तुम कुछ भी मत करो, तुम सिर्फ जप करो, तो उससे नहीं होगा, उसका माइंड यहाँ वहाँ जाएगा। और कोई ऐसा है थोड़ा सा सुनमुन सा है, उसमें इतना शक्ति नहीं है, उसे फिजिकल सेवा करने की इतना ये नहीं, उसे सिर्फ भजन करना अच्छा लगता है या जप करना अच्छा लगता है, उसको अगर आप किसी और काम में लगा दे तो उससे होगा ही नहीं। जिसमें जो गुण है वो गुरु जानते हैं, उसके अनुसार उसको वो सेवा दिया जाता है। तो ललिता देवी का भी यहाँ पे काम क्या है, वही काम है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। हमें चाहिए कृष्णा, कृष्ण चाहिए तो राधा रानी को मनाना है, लेकिन राधा रानी चाहिए तो ललिता देवी को मनाना है, ललिता देवी चाहिए तो रूप गोस्वामी को मनाना है, रूप गोस्वामी को मनाना है तो सारे गोस्वामी लोगों को, आचार्य लोगों को खुश करना है, सारे आचार्यों को खुश करना है अगर तो पॉसिबल है, ओनली अगर हम प्रभुपाद को खुश करें। और अगर प्रभुपाद को खुश करना है तो हमें जप करना है, डिवोटीज एसोसिएशन लेना है, प्रचार करना है, ये सारे भागवत सुनना है, तो क्या कौन खुश होंगे? प्रभुपाद। और अगर प्रभुपाद खुश होंगे तो वो हमें रिकमेंड करेंगे रूप गोस्वामी को, रूप गोस्वामी रिकमेंड करेंगे ललिता सखी को, ललिता सखी रिकमेंड करेंगे राधा रानी को, राधा रानी रिकमेंड करेंगे कृष्ण को। सी द प्रॉब्लम इज, ये सब बहुत ज़्यादा पेचीदा है। अगर हम डायरेक्टली कृष्ण लीला में जंप करने की कोशिश करें तो हम डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। सी जब हम कृष्ण की माधुर्य लीला के बारे में भी डिस्कस करते हैं तब हमारा भाव कैसा होता है, हम काबिल नहीं हैं, आप समझते हैं, हम काबिल नहीं हैं इस लीला को समझने के लिए। जिस तरह से अगर आप कोई हैवी सी चीज़ खा लो जिसमें बहुत ज़्यादा घी होता है, बहुत ज़्यादा शुगर होता है, तो आपको क्या प्रॉब्लम होता है? एसिडिटी हो जाती है, आप डाइजेस्ट नहीं कर पाते। हमारा यही प्रॉब्लम है। ये जो सारी लीलाज है, माधुर्य लीला, वे अबाव आवर हेड, हम उसके काबिल नहीं हैं, इसलिए हमें समझ में नहीं आता। हम उसको किस तरह से देखते हैं, हमें क्या देखने की आदत है, बॉलीवुड और टॉलीवुड की जो सिनेमा में हीरो हीरोइन को देखने की आदत है, उस चश्मे से हम राधा कृष्ण को देखने की कोशिश करते हैं, फिर तो पॉसिबल ही नहीं है समझने के लिए, क्योंकि वो अलग अलग लेवल पे है। हम अलग चश्मे से देखने की कोशिश कर रहे हैं। शिवराम महाराज बहुत सुंदर बोलते हैं अपने क्लास में, कहते हैं कि हम हमेशा सोचते हैं कि हमें वृंदावन लीला सुननी चाहिए, हमें कृष्ण की लीला, है ना। बहुत बार मुझे भी डिवोटीज बोलते रहते हैं, माताजी कृष्ण लीला पे क्लास हो जाए, कृष्ण लीला पे क्लास हो जाए। पर प्रॉब्लम यह है कि राधा रानी और कृष्ण के लीला समझने की काबिलियत भी हम में नहीं है। समझे तो कैसे समझे? और क्योंकि हम में काबिलियत नहीं है, इसीलिए इसको थोड़ा सा रूप गोस्वामी ने हमारे लिए उसको सिंपल कर दिया है। अगर हैवी खीर, घी में फ्राई किए हुए राइस की बनी हुई खीर हमें हजम नहीं होती तो क्या करना है? लो फैट मिल्क के बना लेनी है, बेक कर लेनी है। अगर फ्रेंच फ्राइज हजम नहीं होती तेल वाली तो बेक करके खाना है, करेक्ट? थोड़ा सा उसमें घी ऑयल कम कर देना है। तो उसी तरह से रूपक गोस्वामी क्या किए हैं कि ये लोग ललिता देवी को अप्रोच करना चाहते हैं, ललिता देवी को अप्रोच करना चाहते हैं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि उनमें ये काबिलियत नहीं है। इसीलिए उन्होंने किताबें लिखी है कलयुग के लोगों के लिए कि पहले तुम काबिल बनो, फिर तुमको कृष्ण लीला समझ में आएगी। काबिल कैसे बनना है तो उसके लिए रूप गोस्वामी ने किताब लिखी है उपदेशामृत। और सबसे पहले उपदेशामृत में क्या कहा है, सबसे पहला वाला श्लोक क्या है? वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदार पस्त वेगम एतान वेगम यो विशहते धीरा सर्वम अपि माम पृथ्वीम च शिष्यात। तो रूप गोस्वामी बोलते हैं, मेरे भाई तुम कृष्ण की रासलीला समझने से पहले वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम, तुम्हारे क्रोध को कंट्रोल करो, तुम्हारे माइंड को कंट्रोल करो, तुम्हारे जो इंद्रिया है पहले उसको कंट्रोल करो। आचार्य कहते हैं इवन इफ यू हैव वन सिंगल मटेरियल डिजायर आप कृष्ण लीला नहीं समझ सकते। डिड यू गेट माय पॉइंट? एक
एक इच्छा भी अगर आपकी है, भौतिक इच्छा, जस्ट वन, फिर भी आप कृष्ण लीला को नहीं समझ सकते. एनीबडी हियर हु जस्ट हैज ओनली वन डिजायर? माता जी, आई जस्ट हैव ओनली वन मेटीरियल डिजायर? नो, अनलिमिटेड मेटीरियल डिजायर्स. नाउ इमेजिन कैसे समझे कृष्ण लीला. एक मेटीरियल डिजायर होगा तो भी कृष्ण लीला समझ में नहीं आएगी, लेकिन हमारी तो अनलिमिटेड मेटीरियल डिजायर्स है, फिर कैसे समझ में आएगी. अब कोई बोलेगा, वेल बट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं तो दो बार पूरा भागवत पढ़ चुका हूँ, तीन बार चैतन्य चरितामृत भी पढ़ चुका हूँ, भागवत गीता 4-5 बार पढ़ चुका हूँ, प्रभुपाद की सारी किताबें भी पढ़ चुका हूँ, लेकिन आप बोल रहे हैं कि इट्स नॉट पॉसिबल. बट आई अंडरस्टैंड इट्स इन इंग्लिश एंड आई एम एबल टू रीड इट एंड आई एम एबल टू अंडरस्टैंड. दिस इज समथिंग लाइक, यू नो, अगर आप कोई UKG के बच्चे होते, Class 1 UKG के बच्चे, अगर आप उनको बोलो a plus b होल स्क्वायर इज a² + b² + 2ab, नाउ क्या उसको समझ में आएगा? रवि किशोर गांधी प्रोफेसर, कैन दे अंडरस्टैंड? बट कैन दे रीड इट? दे कैन रीड इट, क्योंकि a to z तो UKG में सिखा देते हैं और 1 to 100 भी आता है, तो पढ़ तो सकते हैं a b 2, सब कुछ पढ़ सकते हैं. बट कैन दे अंडरस्टैंड इट? दे कैन अंडरस्टैंड. तो पढ़ तो हम लोग सकते हैं होल श्रीमद् भागवतम, बट कैन वी अंडरस्टैंड इट? नो, अंडरस्टैंड नहीं हो सकता. क्यों नहीं हो सकता है? बिकॉज वी आर नॉट इवन प्रॉपर ह्यूमन बींग्स. ये तो भक्तों की बात हो रही है कि भक्त, हम तो ह्यूमन बींग भी नहीं है अभी. तो ह्यूमन बींग हैज़ टू हैव दिस क्वालिटीज. भक्त की बात नहीं हो रही है. वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम इज फॉर बिकमिंग अ ह्यूमन बींग. डिवोटी की बात तो आप छोड़ दो, वो दूर की बात है. करेक्ट और नॉट? सी, आज आप एक स्वीट की दुकान में जाते हो, ऑलराइट, आपने देखा वहाँ बहुत सारी स्वीट है. हमारे वाइजाग में तो लड्डू गोपाल बहुत फेमस, बहुत सारी ब्रांचेज हैं. अब जाते हो वहाँ पे, रसगुल्ला है, रसमलाई है, बहुत सारी चीज़ है. अब आप क्या करते हो जब आप स्वीट शॉप में जाते हो? पहले आप देखते हो आपके पर्स में कितना पैसा है, उसके अनुसार आप जो है ख़रीदते हो. पर क्या आपको खाने का दिल होता है तो आप उसको तोड़ के खाने लगते हो? नहीं माता जी, हम ऐसा नहीं करते, हम देखते हैं पर्स में. अब वहाँ पर किसी गाय को लेकर चले जाओ, गाय, अब क्या गाय देखेगी कि मेरे पास पैसा है कि नहीं? नहीं, गाय सीधा जाएगी, जहाँ खाना दिखेगा वहाँ पे खा लेगी. अब अपेरेंटली ऐसा हो गया है कि ह्यूमन बींग्स भी थोड़े से एनिमल जैसे बन गए हैं. जो भी दिखता है खाना है, जो भी मिलता है भोग करना है. हम में और एनिमल में ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहा है. दुनिया भर के लोग आजकल इतने गिरे हुए हैं कि कोई भी टाइप का मांस वो खाने के लिए तैयार है. चलता हुआ, फिरता हुआ, उड़ता हुआ, कुछ भी मिल जाए उसको पकड़ के पका के खाने के लिए तैयार है. तो इज़ इट नॉट लाइक एनिमल? कोई थिंकिंग नहीं है ये खाने की चीज़ है या नहीं है, बस ये खाना है, इसमें कुछ मसाला डालो और इसको खा लो. करेक्ट? तो यहाँ पे रूपक गोस्वामी बोल रहे, फॉरगेट अबाउट डिवोटी, पहले ह्यूमन बींग तो बन जाओ. वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदारपस्थ वेगम. कंट्रोल, कंट्रोल, जस्ट बी अ ह्यूमन बींग. ह्यूमन बींग कैन कंट्रोल ना, एनिमल कैन कंट्रोल ह्यूमन बींग, बट ह्यूमन बींग इज ऑल्सो नॉट एबल टू कंट्रोल ना. अभी तो हम ह्यूमन बींग भी नहीं है. किसी को भी देखो बोलता है, माता जी मुझे गुस्सा आया मैंने बोल दिया, बस मुझे उस टाइम पर गुस्सा आया मैंने बोल दिया, बस दैट्स इट. अरे भैया, वाचो वेगम, यू कैन कंट्रोल. मेरे को बहुत दिल किया मैंने खा लिया, कैन कंट्रोल. मुझे गुस्सा आया मैंने बोल दिया, मुझे बहुत, मैंने बस कर दिया वो जो मुझे, कैन नॉट कंट्रोल माई सेल्फ, फिर क्या फ़ायदा? तो दैट इज़ वे रूप गोस्वामी ने ये बता रहे हैं कि भैया पहले ह्यूमन बींग बनो. उसके बाद रूप गोस्वामी थोड़ा सा आगे जाते हैं, बोलते हैं 6 type of exchanges, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. डिवोटीज़ के एसोसिएशन में रहो, नॉन डिवोटी का एसोसिएशन छोड़ दो, प्रजल्प छोड़ दो, गॉसिप छोड़ दो. रूप गोस्वामी बोल रहे हैं कि लुक, भक्ति इज नॉट ए साइड डिश, इट्स नॉट समथिंग यू डू फॉर टाइम पास, इट्स अ सीरियस बिजनेस. अगर आप सीरियसली भक्त बनना चाहते हो तो गेट सीरियस. ये सारी चीज़ करनी पड़ेगी, कंट्रोल सेंस करनी पड़ेगी, अच्छा एसोसिएशन लेना है, ओवर एंडेवर फॉर मुंडेन एक्टिविटीज़ छोड़ना है. आर यू सीरियस? तभी जाके होगा भक्ति, नहीं तो नहीं होगा. 15 साल भी आओगे मंदिर, 20 साल भी आओगे, वैसे ही रह जाओगे. आर यू सीरियस? इफ़ यू आर सीरियस, उपदेशामृत दिया हुआ है, गो स्टेप बाई स्टेप, स्टेप बाई स्टेप.
एंड लास्ट में ये जो जर्नी है पूरा रूप गोस्वामी हमें ले जाते हैं वाचो वेगम से पूरा जर्नी लास्ट में राधा कुंड के बारे में बताते हैं। अब राधा कुंड को समझना है तो पहले वाचो वेगम से शुरू करो, ए बी सी डी से शुरू करो। ये ललिता देवी का काम है, वे देखते हैं हम में क्या गुण है और गुण के अनुसार भगवान की सेवा में हमें डालते हैं। भगवान की सेवा में अगर हमें नियुक्त होना है तो हायरार्की सिस्टम के द्वारा जाना है, गुरु का आश्रय लेना है, क्योंकि गुरु जानते हैं हम में क्या गुण है क्या नहीं है। डायरेक्टली कृष्ण को अप्रोच नहीं करना है, हम डायरेक्टली इन बातों को नहीं समझ पाएंगे, ये बियॉन्ड अवर कैपेसिटी है। वी आर ट्राइंग टू एंटर द इनर चैम्बर्स of Krishna's life, which is not for everybody. See, Prabhupada ji एक बहुत सुंदर example बोलते थे कि एक आदमी को एक court case में था वो, तो उसको एक top lawyer चाहिए था, तो city का जो सबसे बड़ा lawyer, काफ़ी महंगा lawyer, नामी lawyer को उसने जो है hire किया, उससे appointment लिया। तो उसने कहा आप अपना case समझाने के लिए सुबह 10:30 बजे मेरे घर आ जाओ। Prabhupada ji ने ये बताई थी कहानी। तो ये आदमी चला गया सुबह 10:30 बजे, बहुत बड़ा लॉयर है, आलीशान घर है, घर के साथ लगा हुआ छोटा सा ऑफिस है। ऑफिस में सेक्रेटरी ने उसको बिठाया, बोला कि सर बहुत बिजी है, कुछ इम्पोर्टेंट काम में है, 5 मिनट में आएंगे, अब बैठो। अब जब ये बोल के चला गया अंदर में, ऑफिस और घर के बीच में एक दरवाज़ा था। अब वो दरवाज़ा पूरा पूरा बंद नहीं हुआ, थोड़ा सा खुला रह गया, सेक्रेटरी अंदर चला गया। अब ये आदमी जो बैठा था वो खुला दरवाजे में से थोड़ा थोड़ा देख रहा था। उसने क्या देखा, ये जो इतना बड़ा नामी लॉयर अंदर में क्या इम्पोर्टेंट काम कर रहा था, वो घोड़ा बना हुआ था, उसका पोता उसके ऊपर में बैठा हुआ था, बोल रहा था चल मेरे घोड़ा, चल 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 मेरे घोड़ा, और ये इतना बड़ा लॉयर जो है पूरा पैरी पैरी करके जो है घूम रहा था। अब ये आदमी जो बाहर बैठा था उसने बोला ये मेरा केस जीतेगा, घोड़ा बन के घूम रहा है, उसका पोता जो है पीछे बैठा हुआ है, मुझे नहीं मेरा केस लड़वाना है इस आदमी से, ये क्या करेगा। अब क्या हुआ, क्या ये आदमी केस नहीं लड़ सकता, लड़ सकता है, ये उसकी पर्सनल लाइफ है, उसके पोते के साथ में वो अलग इंसान है। अब जब वो कोर्ट में जाता है तो वो अलग इंसान है। कृष्ण भी ऐसे ही है, जब वे नारायण या विष्णु के रूप में आते हैं तो वे ऑफिशियल है, वे शेष नाग पे लेटे हुए हैं, हजारों लक्ष्मियाँ सेवा कर रही है, और वो अलग टाइप से बात करते हैं। लेकिन वृंदावन में वो कृष्ण के इनर चैम्बर है, वहाँ पे वो बिल्ली से भी डर जाते हैं, माखन भी चोरी करते हैं, रोते हैं, सब कुछ करते हैं, वहाँ पे गोपियाँ गाली देती है कि तुम चोर हो, बदमाश हो, ये उनके इनर चैम्बर है। अगर हम डायरेक्टली उनको समझे बिना इनर चैम्बर में घुस जाएंगे तब हमें क्या है, हमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा, बोलेंगे ये भगवान है। इसलिए तो लोगों को हजारों डाउट आ जाते हैं कि कृष्ण भगवान है कि नहीं। इस दुनिया में अगर ऑर्डिनरी पीपल ऑर्डिनरी चीज़ें करें तो किसी को कुछ स्पेशल नहीं लगता, लेकिन कोई बड़ा आदमी कोई ऑर्डिनरी चीज़ करे तो लोगों को बहुत स्पेशल लगता है। आज आप अपने बच्चों के साथ चले जाओ शॉपिंग करने के लिए, कोई बड़ी बात है नहीं है। आज अगर कोई बॉलीवुड के टॉप हीरो या हीरोइन अपने बच्चे के साथ शॉपिंग में आ जाएंगी CMR में, क्या होगा, सब लोग जमा हो जाएंगे शॉपिंग मॉल में, सारे फोटो लेंगे, क्यों, वो जस्ट अपने बच्चे के साथ शॉपिंग कर रही है जिस तरह से एक नॉर्मल माता पिता करते हैं। लेकिन जो बड़े लोग हैं उनकी ऑर्डिनरी चीज़ भी बहुत ज़्यादा स्पेशल हो जाती है। अब भगवान भी बहुत बड़े लोग हैं, लेकिन हमारा प्रॉब्लम यह है कि जब वो बड़े भगवान ऑर्डिनरी चीज़ करते हैं तो हम मानने के लिए तैयार नहीं है कि वो भगवान है। लेकिन क्यों, जब कोई हीरो हीरोइन वो बड़ा काम करते हैं, वो क्या है मूवी में ढिशुम ढिशुम वो होंडा गिरा देंगे, गाड़ियाँ तोड़ देंगे, और राइट मोमेंट में हीरोइन को बचाने के लिए टपक जाएंगे, हमें पूरा विश्वास है। लेकिन भगवान आ सकते हैं बचाने के लिए, वो हमें विश्वास नहीं। भगवान जब कोई ऑर्डिनरी छोटी चीज़ करते हैं तो हमें शंका आ जाती है, क्यों, क्योंकि हम भगवान से envious है, वी आर envious ऑफ कृष्णा। अब आप बोलोगे आई कांट बिलीव दैट, हाउ कैन आई बी envious ऑफ कृष्णा, आई कैन बी envious ऑफ दिस पर्सन दैट पर्सन, हाउ कैन आई बी envious ऑफ कृष्णा, बट इट इज़ ट्रू, वी आर envious ऑफ द लॉर्ड। इसीलिए तो हम यहाँ पे हैं, अगर हम भगवान से ईर्ष्या नहीं कर रहे होते तो हम भौतिक जगत में आते ही क्यों, हम भगवान से ईर्ष्या करते हैं।
अब आप बोलोगे माता जी जब हम देखते हैं राधा दामोदर को, बिलीव करिए, विश्वास करिए, प्रॉमिस मुझे एनवियस नहीं होती है, मुझे बिल्कुल जेलसी नहीं होती. हाँ भैया, नहीं होती है जेलसी. लेकिन ये राधा दामोदर अगर अभी नीचे उतर के आपके बीच में चलने लगे और सारी लेडीज उनके पीछे पीछे पड़ जाएंगे और आपकी बीवी भी, तब आपको एनवियसनेस शुरू होगी. इस बंदे में इतना क्या स्पेशल है, सारे इसके पीछे क्यों भाग रहे हैं, मैं भी तो ब्लू कलर का कपड़ा पहन सकता हूँ. ट्रू और नॉट? जब तक कि वो बोलते नहीं हैं वी लव हिम, लेकिन वो जब मुंह खोलेंगे तब सारी एनवियसनेस शुरू. इतना क्या स्पेशल है, इतना क्या स्पेशल है. ये हमारा स्वभाव है, हम में एनवियसनेस कूट कूट के भरी हुई है. हम भगवान से ही नहीं, हम सबसे एनवियस है, पूरी दुनिया से. कोई भी हमसे थोड़ा बहुत अच्छा है तो हम एनवियस है. और इस हमारी एनवियसनेस की वजह से तो पूरी एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री चल रही है. हाँ, क्या मैं हमेशा बोलते रहती हूँ ना, ओनर्स प्राइड नेबर्स एनवी. ये चीज़ खरीदो, आपका गर्व है, आप आनंद है, और आपके नेबर्स जो है बहुत एनवियस हो जाएंगे. इसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफ़ेद क्यों, आता है ना सर्फ का एडवर्टाइजमेंट, लेकिन क्यों उसकी साड़ी सफ़ेद क्यों, बस एनवियस. मुझसे अच्छा क्यों दिखते हैं, मुझसे अच्छा क्यों बोलते हैं, मेरे से ज़्यादा बड़ी गाड़ी क्यों है, मुझसे ज़्यादा पैसा क्यों है, मेरे से ज़्यादा ट्रिप्स में क्यों जाते. कितनी सारी एनवियसनेस. मंदिर में एंटर करेंगे तो भी किसी की धोती किसी के कपड़े देख के एनवियस, ये ऐसा क्यों, ये स्पेशल क्यों, इसको ज़्यादा सेवा क्यों, ये आगे क्यों, इसको क्यों इतना इम्पोर्टेंस मिलता है. हर पल एनवियसनेस. अगर हमारी लाइफ देखो, सुबह ब्रश करने के बाद से रात को सोने तक हम एनवियस एनवियस एनवियस. इसकी बेटी ज़्यादा खुश क्यों, इसके बेटे को ज़्यादा नंबर क्यों, इसको वीज़ा कैसे मिल गया, ये 24 आवर्स 24 घंटे. अगर सब दुखी है तो वी आर फाइन, लेकिन सब खुश है तो वी आर नॉट फाइन, वी आर नॉट फाइन. इफ एवरीबडी इज अनहैप्पी तब उतना बुरा नहीं लगता है. एनवियसनेस. सो ये सारे हमारे प्रॉब्लम्स हैं, और इतने सारे प्रॉब्लम्स के साथ वी वॉन्ट टू एंटर इन कृष्ण लीला. कैसे होगा, क्वालिफिकेशन ही नहीं है. वी वॉन्ट टू लिसन कृष्ण लीला. सो द ओनली वे टू अंडरस्टैंड कृष्ण लीला इज कि भाई हमारे जो गुरुदेव जितना बोलते हैं, जितना सेवा. सी द होल एसेंस ऑफ भक्ति लाइफ इज टू सर्व कृष्णा, कृष्ण की सेवा करना. और कृष्ण की सेवा कौन देता है, ललिता सखी या राधा रानी, ये कृष्ण की सेवा देते हैं. सो वी हैव टू सरेंडर अवर लाइफ टू देम और अवर गुरु एंड कृष्णा, और उनके अनुसार हमारे जीवन को हमें चलाना है. विल जस्ट एंड इट क्विकली बिफोर प्रभु जी कम्स. आई रीड द नेक्स्ट श्लोका एंड देन ट्राई टू कम्प्लीट इट. I offer my pranam unto Sri Lalitha Devi, the embodiment of all divine virtues and foremost of the Sakhis of Gokul. Her primary task is providing enjoyment for Sri Radha Govinda by arranging them to meet. She has more longing to perform this merry task than she does to enjoy the entirety of other types of festivals. यहाँ पे और एक चीज बताया गया है. I'm just reminded of this very beautiful bhajan. I don't know if you have heard this. This is by Bhakti Vinod Thakur. He says, Kabe hobe bolo se din aaya mar, Kabe hobe bolo se din amar, Aparad guchi shudhana me ruchi, कृपा बोले होबे हृदय संचार, कबे होबे बोलो से दिन आया मार, कबे होबे बोलो से दिन आया मार. भक्ति विनोद ठाकुर सेज कबे होबे बोलो से दिन आमार. ओ माय लॉर्ड, व्हेन विल दैट डे कम, वो दिन कब आएगा, व्हेन आई विल रियली डेवलप टेस्ट फॉर हरिनाम, मुझे हरिनाम के लिए टेस्ट आएगा, अपराध करना बंद कर दूंगा, कब आएगा मेरे लाइफ में ये डे. आई वॉज थिंकिंग दैट दिस इज़ वेरी ब्यूटिफुल मेडिटेशन जो हम डिस्कस कर रहे थे, कि कब आएगा मेरे लाइफ में ये डे,
जब एनवियसनेस चली जाएगी, गुरु पे श्रद्धा 100% रहेगी, सेवा पे आसक्ति रहेगी, राइट, भगवान साधु गुरु साधु शास्त्र पे पूर्ण श्रद्धा रहेगी, कब आएगा मेरे जीवन में जब हम अपराध करना बंद करेंगे, दूसरे भक्तों की निंदा करना बंद करेंगे। ब्यूटीफुल मेडिटेशन, आप घर जाके इस गाने को आप देख सकते हो, भक्ति विनोद ठाकुर द्वारा लिखा। एनीवे, सो कमिंग बैक टू दिस श्लोका, यहाँ पे बोल रहे हैं कि ललिता देवी जो है उनका क्या काम है, शी मेक्स अ ग्रैंड अफेयर। मतलब जब भी राधा कृष्ण मिलने वाले होते हैं तो शी डजंट कीप इट सिंपल, शी मेक्स नॉइज। मतलब पुष्प अलंकार करना, बहुत सुंदर बेड सजाना, अलग अलग वाद्य बजाना, पूरा चीज़ एकदम ग्रैंड कर देती है, राइट। से ये भक्तों का काम है, क्योंकि हम रूप अनुगह है। हम लोग क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी जन्माष्टमी हुई, साधारण तो एक भक्त क्या कर सकता है, जन्माष्टमी मतलब हमें क्या करना है, भगवान कृष्ण की कथा सुनी, आरती कीर्तन अटेंड किया, उपवास किया पूरा दिन, शाम को प्रसाद लिया, सो गया, कर सकते थे। लेकिन हमने क्या किया, हमने शोर मचाया, पूरी सिटी में शोर मचाया, कृष्ण जन्माष्टमी है, ये है, वो है, हर जगह होर्डिंग लगी है, बच्चों के पेंटिंग कॉम्पिटिशन है, कहीं बटर पॉट ब्रेक हो रहा है तो कहीं अभिषेक हो रहा है, कहीं कहीं कुछ प्रोग्राम हरि नाम लाइन में सब हरे कृष्ण जप करते हुए आ रहे हैं, तो कहीं ड्रामा कॉम्पिटिशन है, तो कहीं फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन है। इतना शोर मचाया हमने, क्यों शोर मचाया, ये हमारा काम है। ललिता सखी हमें सिखाती है सिंपल से नहीं होना चाहिए, कृष्ण का प्रोग्राम है तो शोर मचाओ बस। और शोर मचाया तो क्या हुआ, हमारे साथ साथ पूरी सिटी आ गई सागर नगर, अच्छा हम कृष्ण के दर्शन करने आ रहे हैं बाबा, इतना शोर मत मचाओ। रेडियो में, न्यूज़पेपर में, हर जगह हम शोर मचा रहे, आओ हमारे कृष्ण का जन्मदिन है, ये हमारा काम है। हम शोर नहीं मचाएंगे तो क्या होगा, ये सारे लोग क्या करेंगे, घर में बैठ के उस दिन टीवी देखेंगे, थोड़ा बहुत भक्ति टीवी देख लेंगे, फॉर फॉर्मेलिटी सेक 10 मिनट देख लिया जन्माष्टमी में भक्ति, नहीं दैट ऑल्सो मैनी पीपल थिंक इज स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। मुझे बहुत लोग बोलते हैं, स्पेशली बूढ़े बूढ़े लोग, जब मैं बोलती हूँ मंदिर आओ, बोलता हम भक्ति टीवी देखते हैं, भक्ति टीवी देखते, आई एम अमेज्ड। ओके, सो भक्ति टी बस हम संस्कार आस्था भक्ति टीवी, दे थिंक इट्स भक्ति, दे हैव सब्स्टिट्यूटेड इट टू डिवोटी एसोसिएशन एंड विग्रह दर्शन, दे थिंक इट्स ऑल राइट, आई एम सीइंग भक्ति टीवी, राइट, दैट इज़ अ प्रॉब्लम। तो हमने क्या किया, शोर मचाया, शोर मचाया तो लोग आए हैं, बस ये हमारा काम है। अब नेक्स्ट गुरु महाराज आ रहा है, फिर से हमें क्या करना है, शोर मचाना है। अब शोर मचाएंगे तो क्या होगा, बहुत सारे लोग आएंगे और एक संत का दर्शन करेंगे, आएंगे उनका दर्शन करेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे, ये ललिता सखी का काम है। वो शोर मचाती है, इतना कुछ करती है, बस राधा और कृष्ण मिलने वाले हैं तो उसमें भी बहुत बड़ा इश्यू होगा, ये आएंगे, यहाँ से पैरट्स आएंगे, यहाँ से कोकिल आएगी, ये होगा वो होगा, पूरी एलाबरेट अरेंजमेंट। ललिता सखी चैतन्य लीला में कौन है बताइए, स्वरूप दामोदर। हम सबको पता है कि चैतन्य लीला में चैतन्य महाप्रभु को मिलना है तो किसकी परमिशन चाहिए, स्वरूप दामोदर। रामानंद राय कौन थे, विशाखा, और स्वरूप दामोदर ललिता सखी। आपको पता है स्वरूप दामोदर, क्योंकि वह ललिता सखी है, बहुत सुंदर गाते थे, बहुत सुंदर श्रीमद् भागवतम वो इतने प्यार से इतने ट्यून में गाते थे कि कभी कभी जब वो गाते थे तो चैतन्य महाप्रभु आनंद विभोर में एकदम जो है भागने लगते थे। एक दिन तो चैतन्य महाप्रभु जाके वो झाड़ से टकरा गए जो पूरे कांटों से भरा हुआ था, एकदम वो बुश पे जाके टकरा गए, तो सारे भक्त उनके पीछे आए कि शायद उनको लग गया होगा, और जब उन्होंने झाँक के देखा बुश में तो चैतन्य महाप्रभु वहाँ पर नीचे पड़े हुए हैं, लेकिन फूलों के जो है बेड पे पड़े हुए थे, क्योंकि भगवान है तो कांटे भी जो है फूल बन गए। और फिर एक दिन जब स्वरूप दामोदर गा रहे थे तो भगवान आनंद के उसमें भाग के कुएं में खुद गए। अब सारे भक्त गए रहे कुएं में खुद गए, झुक के देखा तो कुआं में क्या हो गया, पूरा कुआं माखन से भर गया था, भगवान उसमें तैर रहे थे। तो स्वरूप दामोदर जब गाते तो भगवान पागल हो जाते थे चैतन्य महाप्रभु, इतना सुंदर वे गाते थे। ललिता सखी भी उतना ही सुंदर गाती थी, शी हैड लॉट ऑफ डिवाइन क्वालिटीज। सो इसीलिए आने वाले 4 तारीख को ललिता षष्ठी माने ललिता देवी का आविर्भाव दिवस है,
तो हमें अपने अपने अगर मंदिर नहीं भी आते हैं तो अपने अपने घरों में इस दिन में ललिता देवी को प्रार्थना करो और घर के ऑल्टर में एक दो आइटम्स बनाओ, भगवान को ललिता देवी को याद करके ऑफर करो। जितना हो सके वैष्णव कैलेंडर में जितने भी इवेंट्स हैं उसे शोर करके मचाओ, शोर करके मनाओ। दैट्स व्हाट कृष्ण वांट्स। श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में उद्धव को भगवान बोलते हैं कि मेरे साथ संबंधित जितने भी फेस्टिवल्स हैं उसे ग्रैंडली मनाना चाहिए। मैं इसलिए इसको फिर से यहाँ पे री बता रही हूँ, रीकन्फर्म करवा रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चन होता है कि क्यों इतना खर्चा। लेकिन ये भगवान चाहते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर का एक सुंदर भजन है जिसमें वो बोलते हैं माधव तिथि के बारे में बोलते हैं ना, माधव तिथि को आप ग्रैंडली बनाओ। माधव तिथि माने जो भी मेरे साथ जुड़ी हुई तिथि। माधव तिथि भक्ति जननी जतने पालन कोरी, माधव तिथि भक्ति जननी जतने पालन करी। माधव तिथि जो ये फेस्टिवल्स है दे गिव बर्थ टू भक्ति। जब ये फेस्टिवल हम मनाते हैं तो भक्ति का जन्म होता है। इसीलिए जतने पालन करी विद एक्स्ट्रा एंडिवर इस तिथियों को मनाना चाहिए। क्योंकि जब हम फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं तो फिर हम सेवा करते हैं, जब हम सेवा करते हैं तो हम प्यूरिफाई हो जाते हैं। एक भक्त मुझसे शेयर कर रहा था, बोला माता जी मैं बहुत सालों से आता हूँ जन्माष्टमी फेस्टिवल में, लेकिन मुझे इतना आनंद कोई फेस्टिवल में नहीं मिला जितना आनंद मुझे इस फेस्टिवल में मिला, क्योंकि इस फेस्टिवल में मुझे इम्पोर्टेंट सेवा दी गई थी। और द मोमेंट सेवा आप करते हैं आपका कन्विक्शन बढ़ जाता है। हाउ मेनी ऑफ यू हैव फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ऑफ दिस, व्हेन यू डू सेवा, जब आप सेवा करते हो तब आपका कन्विक्शन कृष्ण पे बढ़ जाता है। यस, यू रिफर श्रीमद् भागवतम थर्ड कैंटो थर्टीन्थ चैप्टर, उसमें भी ये एक चैप्टर में ब्रह्म की स्तुति है और एक में वराह देव का आविर्भाव है, और उसमें बहुत सुंदर परपट में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि सेवा ट्रांसफॉर्म्स योर नॉलेज इंटू कन्विक्शन। जब आप सेवा करते हो तब आपकी भक्ति बढ़ती है, आपकी भक्ति और स्ट्रांग हो जाती है। बहुत सारे लोग सोचते हैं जप करना अलग है, सेवा अलग है, ये अलग है, मैं ज़्यादा सेवा करूँगा तो पता नहीं मेरी साधना क्या होगी। बट यू मस्ट गो थ्रू द परपोट, गो फॉर 3.13.49, जस्ट घर जाके इसका परपोट पढ़ो। बोलते हैं कि जो सेवा करते हैं भगवान का, कृष्ण गिव्स देम द रिक्वायर्ड नॉलेज टू गो बैक टू हिम। से वो भगवान ही वो उनको वो बुद्धि दे देते हैं। बट ऑफ कोर्स इसमें 3.9.29 में सेवा सक्सेसफुली कैसे की जाती है उसके भी टिप्स देते हैं प्रभुपाद। ही सेज दैट सेवा, व्हेन यू परफॉर्म ए सेवा, बोलते कि व्हेन यू डू सेवा आपके भाव कैसे होना चाहिए। वो द फर्स्ट थिंग आपका भाव होना चाहिए कि आई एम इनकेपेबल, मेरी कोई कैपेबिलिटी नहीं है, बट वेरी काइंडली गुरु हैज़ गिवन दिस सर्विस टू मी। सेकेंड थिंग प्रभुपाद सेड यू शुड प्रे टू कृष्णा, आई एम इनकेपेबल बट कृष्णा प्लीज आई वॉन्ट टू सेटिस्फाई यू एंड माई गुरु, सो काइंडली गिव मी दैट, यू नो, मेक मी केपेबल ऑफ डूइंग दिस। थर्ड थिंग ही सेड दैट डोंट बी पफ्ड अप अबाउट द रिजल्ट ऑफ द सेवा। Suppose if the result of the seva is success, then you don't take credit for it. That's one way. And don't get puffed up about it. And then he said that while you are doing that seva, har vakt socho that, oh, I'm so fortunate that I got this seva. And then he said finally that do that seva subordinate to Krishna's will. Means, even if you're not successful in that seva, aapko bura nahi lagna chahiye. Because you are surrendered to Krishna, that's Krishna's desire. He want to give success, he will give. If he doesn't want to give success, he will not give. If success dena chahte to denge, nahi dena chahte to nahi dete. I am surrendered to Krishna's will. Bas aise bhav mein jo seva karte hai, they will never get frustrated and they will get pure devotional service. Right? It's beautiful.
तो दैट इज़ द थिंग. हाँ, तो ये ललिता देवी का काम है. वे शोर मचाती है और बहुत सुंदर सेवा खुद करती है. और जो ललिता देवी के अनुयायी है, हमें भी ऐसे ही स्पिरिट में सेवा करना है. लास्ट पैराग्राफ, दिस समथिंग काम का है, आप लोग सबको इंटरेस्टिंग है. सेज इफ ए पर्सन विथ अ चेयरफुल एंड प्योर हार्ट रिसाइट्स दिस अष्टका इन प्रेज ऑफ ललिता देवी who is superbly ornamented with the qualities of beauty, grace and charm, Srimati Radhika, the effulgent wish-fulfilling creeper in the family of Vrishabhanu Maharaj, affectionately draws that person towards her and adopts her among her group of sakhis. So beautiful. But koi bhi agar prem se, with a cheerful mood, Rasis, you are not cheerful, Rasis. It's your at your own risk. Happily, in a cheerful mood, if you recite this Ashtaka, if Lalitha Devi, then what will happen? Said Radhika, Srimati Radhika will take you into her Sakhi's group. So how many of you want to be in Radhika's Sakhi's group? Yeah. So I think we all qualified because we read Lalitha Ashtakam, right? So it's a beautiful, what we did all along is we glorified Lalitha Devi. हमने ललिता देवी के गुणों की चर्चा की. जब हम भगवान के शुद्ध भक्त पार्षद के गुणों की चर्चा करते हैं तो हम में जो अनर्थ होता है वो चले जाते हैं, हम शुद्ध हो जाते हैं, हमारी भक्ति बढ़ती है, कृष्ण पे आसक्ति बढ़ती है. तो वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम भक्तों का गुणगान करें. तो अब राधाष्टमी आ रही है तो हमें उसका मूड बनाना है. हमें सी कोई भी फेस्टिवल आए उसके पहले एक प्रिपरेशन होना चाहिए, राइट? सी आपका जैसे वर्ल्ड कप फाइनल होने वाला होता है तो क्या होता है? नहीं, मैं आपके साथ जुड़ी हुई एग्जांपल देना चाहती हूँ. तो उसके पहले एक माहौल बनता है, एडवर्टाइजमेंट्स, काउंटडाउन टू प्रिपेयर यू मेंटली. किसी का इंटरेस्ट ना भी हो तो इंटरेस्ट हो जाता है, क्योंकि ये लोग बताते रहते हैं सो मेनी डेज टू गो न्यूज़पेपर में, होर्डिंग में, टीवी में. तो आप ओके फाइन, राइट? तो उसी तरह से व्हेनेवर अ फेस्टिवल आने वाला हो तो हमें एक मूड बनाना चाहिए. राधाष्टमी आ रही है, यू नो. नाउ डोंट टेल मी कि माताजी वर्ल्ड कप 5 साल में एक बार आता है, राधाष्टमी हर साल आती है. हर दिन तो नहीं आती है. हमने 364 डेज वेट किया टू गेट राधाष्टमी अगेन, राइट? 364 डेज के बाद फिर से. सो दैट शुड बी आवर मूड, दैट यू नो माई डियर राधा रानी, 360, वी आर द फॉलोअर्स ऑफ राधा रानी. हाँ, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक बार वृंदावन में अपने शिष्यों के साथ में घूम रहे थे. तो वहाँ पे कोई गोवर्धन परिक्रमा कर रहे थे बहुत सारे शिष्य. तो ये शिष्य बोले थे कि देखिए गुरु महाराज, ये लोग कितना सुंदर यू नो गोवर्धन का परिक्रमा कर रहे हैं. देखिए 108, आपको पता है कुछ लोग ऐसे भी करते हैं गोवर्धन परिक्रमा, एक जगह पे 108 बार दंडवत प्रणाम करते हैं, फिर स्टोन रखते हैं, फिर अगेन नेक्स्ट डे उसी जगह में 108 फिर दंडवत, ऐसा करके गोवर्धन परिक्रमा कंप्लीट करते हैं. तो फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उस दिन बहुत ही जोवियल मूड में थे, तो उन्होंने बोला कि किनको प्लीज़ करने के लिए कर रहे हैं? हाँ, कृष्ण कौन है मैं नहीं जानता, हम तो सिर्फ राधा रानी को जानते हैं, लेकिन राधा रानी कृष्ण की पूजा करती है इसीलिए हम कृष्ण की पूजा करते हैं, अदरवाइज हम कृष्ण को नहीं जानते, हम तो राधा रानी को जानते हैं, हम लोग तो राधा रानी के फॉलोअर्स हैं. गौड़ीय वैष्णव मीन्स वी आर फॉलोअर्स ऑफ राधा रानी, राइट? तो हमारे लिए राधाष्टमी बहुत इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है. वाई राधा रानी इज़ मर्सी इज़ इम्पॉर्टेंट. Even Srila Prabhupada mentioned it in a song which he wrote in Jaladuta 1965. He wrote 2 songs. And out of that one song he sings, he says, Krishna taba punya hobe bhai, Krishna taba punya hobe bhai, punya hobe jabe radha rani khushi hobe. पुण्य होवे जबे राधा रानी खुशी होवे. ही सेज दैट कृष्ण तब पुण्य होवे भाई. माय डियर ब्रदर्स, यू विल गेट कृष्णाज मर्सी
When punya hobe jabe Radha Rani khushi hobe. If you can make Radha Rani happy, then you can get Krishna's mercy. And then Prabhupada says in the next line, Dhruva ati boli tuma tai. I'm announcing it fearlessly to you, to all of you, that if you want Krishna's mercy, then first you have to make Radha Rani happy. Radha Rani ki jai. All right. So after 364 days, हमें ये opportunity फिर मिल रही है, जहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, राधा रानी को भीख मांगने वाले हैं, begging ball लेके खड़े रहने वाले हैं कि my dear राधा रानी, please tell your Krishna something about us. आपके कृष्ण को हमारे बारे में कुछ बोलो, हमको recommend करो. See, Radha Rani is a sole supplier of Krishna's mercy. How many of you here are into business? Business kitne log karte hai? All right. Now, business people can understand this term. Har ek business mein ek wholesale stockist hota hai, supplier, stockist, jiska monopoly hota hai. Matlab, jo chahiye usi ke paas milta hai, aur kahin nahi milta hai. And that person becomes very important for you, is it not? Because whatever you want, he is the sole supplier. See, there are sometimes sole suppliers for Andhra or sole supplier for whole India, correct? And they become so important because except them, you can't get that good from anybody else. Now imagine Radha Rani, she is a sole supplier of Krishna's mercy. She is the sole supplier of Krishna seva. Imagine, ऐसे दुनिया में कोई नहीं है जो हमें कृष्ण सेवा और कृष्ण प्रेम दे सकते हैं except her. And her birthday is on September 6. So it's a very, very important day for all of us. So I want that all of you on that day come for Mangala Arati. Let's sit and chant together. Kindly do your fasting and pray. Let's pray together. Begging ball ke saath Radha Rani ko hum pray karenge. Please give your mercy. Please give Krishna seva, right? So, she's our only shelter. She's our only shelter. So, let's be in that mood for coming few days. Let's not keep ourselves too much busy with our material engagements. Let's prepare our heart to serve Radharani and Krishna. So, Lalitha Devi ki jai, Uncha Gaon ki jai, Radhashmi Mahamohotsav ki jai, Radharani ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Hare Krishna.